जल्दी जल्दी, come on, fast. अरे भाई मैं हूँ। मैंने तुझे कितनी बार कहा है कि मुझे पीछे से हाथ मत लगा। जो भी कोई मुझे पीछे से हाथ लगाता है वो मेरा दुश्मन होता है। ये तो अच्छा हो मेरे हाथ में ब्रश था, चाकू और पिस्तौल होता तो तू अभी यहाँ पे लेटा होता। बोल क्या बात है, बोल। पार्टी आई हथियार और आरडीएक्स लेने। कल यहाँ बुला लूँ? नहीं नहीं, इधर नहीं, इधर नहीं। यहाँ से मैं कभी धंधा नहीं करता हूँ। यहाँ पर मैं दुनिया की नजरों में एक मूर्तिकार हूँ। आई एम एन आर्टिस्ट हियर। यहाँ पे मैं सुंदर सुंदर मूर्तियां बनाता हूँ और मूर्तियों के अंदर क्या रखता हूँ वो सिर्फ मैं ही जानता हूँ। किधर मीटिंग कहाँ रखे? होटल में, होटल में, होटल के किसी भी कमरे में रख दो। अरे मैं यहाँ धंधा करने लगा और किसी दिन पुलिस के हाथों में पड़ गया तो? मुझे पुलिस की मार से बहुत डर लगता है। सुना है लटका लटका के मारती, डंडी घुमा के। सुना है दो नए इंस्पेक्टर आए हैं, अर्जुन सेन और प्यारे मोहन। पता नहीं वो कैसे होंगे साले। क्या हो रेला है? दिखाई नहीं दे रहा, आरे की धार तेज कर रहा हूं। मेरे को उल्लू समझाए क्या? समझने की क्या जरूरत है, तू तो वैसे ही। ए, मैं सब समझ रहा हूं। तुम दोनों का अकेले में भागम भाग का प्लान है, मेरे को साथ में लेके जाना पड़ेगा। दिमाग तो ठीक है तेरा? मेरा दिमाग एकदम ठीक है, लेकिन खराब हुआ ना तो शोर मचा दूंगा। क्या घबरा कर रहा है यार? बात कर रहा है, ऐसी बात नहीं है।
ऐसी बात नहीं। क्या बेड़ू, तू भी लड़क पंचम आदमी है यार। अभी ये होएगा ना। हे आ। अभी ये क्या यार, दो भाई भाग रहे, तेरे को तकलीफ हो रही है क्या? अरे तीन भाई साथ में मिलके भागे तो जास्ती खुशी होगी ना। वाह बेटे, पकी पकाई खिचड़ी लेकर के साफ कर देना चाहता है। चार रात जागे हम लोग फरार होने के लिए, तब जाकर के सरिया कटा है और तू एक ही दिन में क्या? हाँ, ये हवलदार। चल फिर भाई, तो साथ में चले। चुपचाप आ जा, आ जा, चल 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 जेल से तो हम बाहर आ गए, लेकिन अब शहर में नाकाबंदी लग गई होगी, इन कपड़ों में हम कपड़े खरीदने भी नहीं जा सकते। अरे तुम दोनों ने मेरी जेल से बाहर निकलने में मदद की, तो अपना भी कुछ फर्ज बनता ना कि तुम दोनों की मदद करूं। अरे तू हमारी मदद क्या दिमाग की? अरे मैं सीधा मेरे बॉस के पास लेके जाऊंगा, रातों रात तुम दोनों इंडिया से कल टी। अरे लेकिन तेरे बॉस का आता पता तो पता, नाम बताओ क्या? हाँ बता ना। सुंदर काला। आओ कलीम ढीले, सुंदर काला को अपने आदमियों पर फक्र है। मेरे आदमी अगर शेर की तरह दुश्मन को खत्म कर सकते हैं, तो पंछी की तरह जेल से उड़ भी सकते हैं। लो करे धरे, हम तारीफ लुटेंगे। ए चलना, ए पपली ढीले चलना यार। अभी कलीम ढीले को थोड़ा टेम तो लगेगा ना। अभी इतना भी क्या चलना है? ए पपली सबुर ना, ये दोनों बहुत काम की चीजें हैं। मेरे को जेल से भगा के लाए, बोलो ये दोनों को रख लो, बहुत काम की। अभी ठीक है, तू बोल रहे तो मैं रख लेता इन दोनों को। तुम दोनों को रख लिया? बॉस, हमें चारों तरफ से पुलिस ने घेर लिया है। कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा। सुंदर काला, ज्यादा होशियार बनने की कोशिश ना करना। मेरे हर आदमी के हाथ में बंदूक और जेब में पिस्तौल है। तेरे आदमियों के हाथ में बंदूक है ना, तेरे तो नहीं? सुंदर काला, ये तो चीटिंग है। तेरे पास दो दो, मेरे पास एक भी नहीं, एक मुझे दे देना प्लीज। अरे सुंदर काला जी, एक बात बोलूं क्या? आप इन्हें मारकर अपने सुंदर हाथ क्यों खराब करना चाह रहे हैं? इससे तो मैं निपट लूंगा। पहले हमें अंदर किया, अभी सुंदर जी को अंदर करने की सोचा। सुंदर काला जी, आप हमें अपनी वफादारी दिखाने का मौका दीजिए और ये रिवॉल्वर हमें दीजिए। फिर हुकुम कीजिए और देखिए। लो लो, अब हुकुम कीजिए, मारो इसको। अबे 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 कलीम ढीले, इनके पुर्जे तो नहीं ढीले हो गए? समझाई नहीं। ए पपली, ये क्या कर रहे है यार? मिस्टूक से तेरा घोड़ा चल गया तो मेरे बॉस का भेजा टोपी में से बाहर कर जाएगा यार। अबे तेरे बॉस को पकड़ने के लिए तो हम जेल से भागे थे उल्लू। अबे तेरे को इधर इसीलिए तो लाए थे लल्लू। पर ये चीटिंग है। ये चीटिंग नहीं है, ये सेटिंग है। अरे ये दोनों है कौन? हमसे मिलिए, हम है इंस्पेक्टर अर्जुन सिंह। और मुझसे मिलिए, मैं हूँ इंस्पेक्टर प्यारे मोहन। प्यारे मोहन अर्जुन सिंह। नहीं नहीं नहीं, तुम लोगों ने जानबूझकर मुझे घूंसे 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 मारे। सर, सुंदर काला ने आपकी कनपटी पर रिवॉल्वर रखी हुई थी, एंड मौके पर अगर हम घूंसे ना मारते तो कनपटी पर रिवॉल्वर चल जाती। सिकाई की बजाय इस समय आपके घर में रुलाई हो रही होती। और अगर सिकाई हो भी रही होती तो चिता की लकड़ियों से। और माफ कीजिएगा सर, हम लोग बगल में खड़े रहकर आपको सलामी दे रहे होते। तुम लोग मेरे मरने की बातें क्यों कर रहे हैं, जो हुआ ही नहीं? मरने की बात नहीं सर, बचाने की बात कर रहे हैं। हाँ, उल्टा हम लोगों ने अपनी जान पर खेल के आपकी जान बचाई, ऊपर से मुजरिमों को पकड़ा अलग, और आप हमारी तारीफ करने के बजाय दो घूंसों को लेकर रो रहे हैं। तुम लोग निकल जाओ यहाँ से और मुझे अपनी शक्ल मत दिखाओ। क्यों निकल जाए सर, हम लोग आप ही को तो अपनी शक्ल दिखाने की पगार पाते हैं। मैं तुम लोगों के आगे हाथ जोड़ता हूँ, मैं तुम्हें एक दिन की छुट्टी देता हूँ, जाओ यहाँ से। थैंक यू सर। बात मत करो, फिर देर से आए हो। अरे तो मैं क्या करूं यार, जिस आदमी के साथ में आया हूँ वो जीप भी बैलगाड़ी की तरह चलाता है। तुम जब भी मुझसे मिलने आते हो ना, अकेले नहीं आते हो, बहाने साथ लाते हो। अरे मैं तो सोच रहा हूँ कि मैं तुमको मिलना ही छोड़ दूँ। क्या मतलब? मेरा मतलब शादी कर लूँ मैं तुमसे। डर गई। चाहती तो मैं भी यही हूँ, लेकिन भैया को कौन समझाएगा? खुद उनकी इतनी उम्र हो रही है, उन्हें अपनी परवाह नहीं, तो मेरा क्या होगा? तो मैं क्या करूँ यार, जब तक वो कुंवारा बैठा रहेगा तब तक मैं भी ऐसा बैठा रहूंगा। शायद, शायद, शायद। क्या, अपनी माँ को बोलो उसकी शादी करे। अरे अपनी माँ को बोलो उसकी शादी करे यार। ओके, ओके, उसकी ओके। होगी तो मेरी होगी ना। वैसे भी मुझे हमेशा डर लगा रहता है।
कि जब हमारे बारे में तुम्हारे भैया को पता लगेगा तो पता नहीं वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे। ऐसे भी वो मेरे बारे में गलत ही सोचता है। थोड़ा बहुत मैं हूँ भी गलत यार। मैं एक रिपोर्ट लिखवाना चाहती हूँ इन अर्जुन सिंह के खिलाफ। मगर मेरा जुर्म क्या है? शादी न करना। देखिए, हमारा छोटा सा खुशहाल परिवार है, तीन मेंबर हैं उसमें, मेरी माँ, मेरी बहन और मैं। ये चौथी मेंबर जो आएगी, पता नहीं उसका स्वभाव कैसा होगा, ये घर चला पाएगी या नहीं, मेरी माँ की सेवा करेगी या नहीं, इस झंझट से मैं दूर रहना चाहता हूँ। अरे इन खोखली दलीलों से तुम बच नहीं सकते। अगर हर मर्द इनकी तरह सोचने लगे तो दुनिया में शादियां न हो, लड़कियां जवानी से लेकर बुढ़ापे तक कुंवारी बैठी रहे, अरे दुनिया खत्म हो जाएगी। दोनों तरफ की बहस सुनने के बाद ये होम मिनिस्टर इस नतीजे पे पहुंची हैं कि या तो अपनी पसंद की कोई लड़की चुनकर शादी कर लो, नहीं तो हमें जबरदस्ती करनी पड़ेगी। अपनी उम्र तो देखो, कुछ दिनों के बाद तो रिश्ता मांगते हुए भी शर्माएगी। मर गए, ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। अगर ये कार्यवाही पूरी हो गई हो तो इस भूखे को कुछ खाना मिल सकता है? अगर आप शादी के लिए तैयार हैं तो खाना भी तैयार है भाई। वाह 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 वाह, क्या खाना पकाया है भाई। तुम? हाँ मैं। माँ प्रणाम। जीते रहो। अरे बैठ कर खाना खा बेटा। देखा माँ का दिल कैसा होता है, जब बच्चे खाना खाते हैं ना तो माँ के दिल में कितनी ठंडक पहुँचती है। वरना कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं जिनके छाती पे सांप लौटते हैं। तेरी इस घर में आने की हिम्मत कैसे हुई? अरे क्या कर रहा है, बेचारे को खाना तो खाने दे। मैं तो कहती हूँ बम्बई में तू अकेला रहता है, खाना यही आकर खाया कर। मैं तो कहता हूँ कि सुबह का नाश्ता भी यही कर लिया करूँ, आदमी नाश्ता अच्छा करता है ना उसका पूरा दिन अच्छा जाता है। अरे तो फिर नाश्ते के लिए तू यहाँ आ जाया कर रोज। सीमा, नीचे कमरे में मेरा बिस्तर लगवा दे, यही से नाश्ता करके निकल जाया करूँ। चल 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 क्या हो गया बेटा, हे भगवान तेरे राज में कितना बेइज्जत हो रहा है। क्या कर रहा है तू? अगर तुम्हें इससे इतना ही प्यार है तो घर खाना भिजवा दिया करो इसका। इस तरह से क्यों पेश आ रहा है, आखिर उसमें क्या बुराई है? माँ जो बुराई मुझे दिखाई देती है वो शायद तुम्हें नहीं दिखाई देती है। एक मिनट। हाँ, खाना तुम लेके आना। रेखा यहाँ से। बहुत अच्छे, बहुत खूब हथियार तो आपने वाकई बहुत शानदार बनाए जोरावर साहब, लेकिन इस बार ऑर्डर बहुत बड़ा रहेगा। कितना बड़ा होगा ऑर्डर? पिछली बार जो ऑर्डर दिया था उससे 10 गुना ज्यादा। 20 गुना हो तो भी जोरावर साहब के लिए मामूली बात है। क्या बात है, वाह। एक बात बताइए जोरावर साहब, आपका इतना बड़ा बंगला है फिर भी मीटिंग हमेशा आप होटल में क्यों रखते हैं? अरे होटल बनाया किस लिए है, हमारे जैसे लोगों की मीटिंग के लिए बनाया है। अब किसी के नाम से कमरा बुक कर दो और दरवाजा बंद कर दो। अब बंद दरवाजे के पीछे क्या होता है किसको क्या पता, और ये कमरा मैंने जमशेद के नाम से बुक करवाया। जमशेद? ये कौन जमशेद, कहां का जमशेद? मैं खुद नहीं जानता, पुलिस क्या खाट जाएगी। बंबई की पुलिस से भैया मुझे बहुत डर लगता है, डंडा उठा उठा के मारती है। मैं मौत से नहीं डरता हूँ, बंबई पुलिस से डरता हूँ बस। क्या हुआ? बाथरूम होके आता हूँ। यस प्लीज। हाय। हाय। ये दरवाजा खोलो। यहाँ डू नॉट डिस्टर्ब का टैग लगा है, इसलिए नहीं खोल सकती हूँ। चल खोल। चल चल, मुंह मत खोल, खोल। जोरावर साहब ने कुछ ज्यादा ही टाइम लगा दिया, पुलिस के नाम से उन्हें कुछ ज्यादा ही आती है। चल। क्या कर रहा है भाई, सुपर हिट मुकाबला देख रहा है तो क्या करेगा, क्या मेरे को पुलिस में पकड़वाएगा? अरे मेरे को पुलिस से बहुत डर लगता है यार। एक काम कर, तो मेरे को इसका वीडियो कैसेट निकाल के दे दे। चल जोरावर, ये तुम्हारे काले कारनामों का सबूत है, अब तुम नहीं बच सकते। ए, मेरी गर्दन में क्या दर्द होता है ना, मैं झुक नहीं सकता हूँ। वीडियो कैसेट निकाल के मुझे दे दे। चल, मेरे जीते जीते तुम्हें ये कैसेट नहीं मिलेगा। ओहो, तो तेरे मरने के बाद ले लूंगा। हो गया। ओ, भाग्यवान हो तुम, ये तो टीवी पे देख रहा था, तुमने तो लाइव टेलीकास्ट देख लिया। क्या करे तुम्हारा, ना ही तुम्हारी उम्र है मरने की और ना ही तुम्हारा बदन है गोली खाने लायक। देखिए, इस तरह कांपने और घबराने से काम नहीं चलने वाला। उस होटल में एक पुलिस इंस्पेक्टर का खून हुआ है और मैं अपने इंस्पेक्टर के हत्यारे को नहीं छोड़ूंगा। आप अपना बयान जो है वो खुल कर दीजिए। चलिए, कोई तरीका है लड़कियों से बात करने का? मैं मानता हूँ हमारे इंस्पेक्टर के साथ गड़बड़ हुई है, लड़की है, घबराई हुई है। प्यारे, प्लीज डोंट डिस्टर्ब, मैं लड़की से बयान ले रहा हूँ। हाँ जी बोलिए। आप पहले पानी पीजिए, आप डोंट वरी, गेट रिलैक्स। या थैंक यू।
थैंक यू। इट्स ओके नाउ। हाँ जी बोलिए। बोलिए जी। थोड़ा लहजा नरम नहीं है यार। प्लीज डोंट डिस्टर्ब। हाँ जी मधु जी बोलिए। अगर मैं भागती नहीं तो वो मुझे भी मार देता। हाँ। देखिए आप घबराइए मत, हिम्मत से काम लीजिए। पुलिस आपके साथ है, हम आपके साथ हैं, आप घबराइए मत। अगर उस आदमी को आपके सामने पेश कर दिया जाए तो आप उसे पहचान सकेंगे? जी। चलिए आपको ज्यादा परेशान नहीं करते, आप इस डायरी के ऊपर अपना टेलीफोन नंबर और एड्रेस लिख दीजिए। जैसे पुलिस को खून के बारे में पता लगेगा आपको इत्तला कर देंगे। आए आइए, मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। सर इस वक्त ने एक पुलिस ऑफिसर की नहीं बल्कि एक हमदर्द दोस्त की जरूरत है और मैं नहीं समझता कि यह काम मुझसे ज्यादा अच्छा कोई और कर सकता है। आप आइए मेरे साथ। आइए आइए। तो मधु जी आप इस शहर में अकेली रहती हैं? जी नहीं, मेरी सहेली नेहा भी मेरे साथ रहती है। बस लेफ्ट। अच्छा तो यहाँ रहती हैं आप? जी। सामने मेरा फ्लैट है। अच्छा मैं चलती हूँ, जब भी खूनी का पता चले आप मुझे पहचानने के लिए बुला लीजिएगा। लो थाने से लेकर यहाँ तक मैंने आपका दिल भलाया, आपका डर भगाया क्या इसी बात के लिए? सॉरी मैंने कुछ गलत कह दिया। हमारा दिल तोड़ दिया आपने? क्या खूनी के मिलने पर ही हम लोग मिलेंगे? मैं समझी नहीं। मेरा मतलब है मैं कभी आपको चाय पे बुलाना चाहूँ, कहीं डिनर पे ले जाना चाहूँ तो आप बुरा तो नहीं मानेंगे? बिल्कुल नहीं, वैसे भी मैंने अपना नंबर आपके पास छोड़ दिया है। हाँ मैं यूज करूंगा। जरा भी घबराहट हो किसी भी शाखा को तुरंत फोन कीजिएगा। sure. कहीं गुंडा नजर आया तो? थैंक यू। टेक केयर। बाय बाय। मधु कितना टाइम लगा दिया, मैं कितनी परेशान थी। होटल फोन किया तो पता लगा किसी का खून हुआ है। अरे पूछ मत, होटल के एक कमरे में एक पुलिस इंस्पेक्टर था, उसका खून हो गया। किसने किया? उस खूनी को तो मैं अच्छी तरह पहचान गई हूँ, उसी की रिपोर्ट लिखाने पुलिस स्टेशन गई थी। मगर वहाँ से यहाँ कैसे आई? प्यारे छोड़ गया। प्यारे? हाँ इंस्पेक्टर प्यारे मोहन। क्या इंस्पेक्टर है नेहा, खून देखकर मेरी तो हालत खराब हो गई थी, पर उसने मेरा मूड एकदम ठीक कर दिया। क्या स्टाइल है उसका, उससे तो मेरी बड़ी अच्छी दोस्ती हो गई है। एक दो दिन में फोन करेगा, फिर हम लोग चाय या खाने पे जाएंगे। उसके साथ जब खाना खाएगी तब खाएगी, तेरे चक्कर में मैं भूखी रह गई। जल्दी से खाना लगा, मैं अभी आती हूं। क्या यार, चल जल्दी आ। तू मिल गई बेटी, तू मिल गई। अरे मेरी छाती का बोझ उतर गया। कहाँ-कहाँ नहीं ढूंढा तुझे? कहाँ-कहाँ नहीं ढूंढा? पुलिस में कंप्लेन लिखवा रही थी, बयान दे रही थी। चल, हमको पुलिस से बहुत डर लगता है। इनकी नींद खराब हो गई है, खाना बंद हो गया है और तुम यहाँ आराम से खाना खाने वाली हो? अरे खाना बना है, देखो तो जरा। बहुत अच्छा खाना बना है तूने। इस लड़की का करना क्या है भाई, इस लड़की का करना क्या है? मारना पड़ेगा ना, मारना पड़ेगा, मजबूरी है, ये भी समझती है, मारना पहले पड़ेगा। खाना खा ले। हाँ पहले खाना खा ले, गर्मा गर्म रोटी। एक गवाह मरी नहीं है, दूसरी मरने के लिए आ गई। ये भगवान भी कितने पाप कराएगा। कहाँ गिरी? भाग गई। तो जाके पकड़ो ना, नहीं तो पुलिस स्टेशन जाएगी। Woo!
मधु के साथ उसकी सहेली नेहा भी थी। पता लगा नेहा कहाँ है। हेलो कमिश्नर ऑफ पुलिस श्यामलाल स्पीकिंग। हेलो, नहीं नहीं मैं प्यारे मोहन से बात करना चाहती हूँ। प्यारे मोहन जी तो नहीं है, आप बहुत घबराई हुई लग रही है, क्या बात है मुझे बताइए। मैं सिर्फ प्यारे मोहन को ही बताऊंगी। आप मुझे बताइए, घबराइए नहीं। मैं मधु की सहेली हूँ, मैंने उसका खून होते हुए देखा है। बताइए मुझे। नहीं मैंने कहा ना मैं सिर्फ प्यारे मोहन को ही बताऊंगी। प्यारे मोहन जी आ गए। किसी लड़की का फोन है, मधु के मर्डर केस में बहुत बड़ी वीकनेस है, सिर्फ प्यारे मोहन से बात करना चाहती है। तो प्यारे मोहन से बात कराई ना, मुझसे क्यों कर रहा है? तुम प्यारे मोहन बनकर उससे बात करोगे, दैट्स माय ऑर्डर, कम ऑन। हेलो प्यारे मोहन की तरह बात करो। सर प्यारे मोहन ऐसा ही बात करता है। वो तो फिर मैं भी कर सकता था, तो कीजिए ना। अच्छा सॉरी सॉरी, कर 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 करो। हेलो मैं प्यारे मोहन बोल रहा हूँ। मैं नेहा बोल रही हूँ, मधु की सहेली, उन्होंने मधु को मार डाला है। मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, सब कुछ बताना चाहती हूँ। कहाँ से बोल रही हैं आप? कहाँ से बोल रही हैं? सॉरी सॉरी, उसे दोबारा पूछो। हाँ कहाँ से बोल रही हैं आप? मैं सितारा होटल के सामने एक पब्लिक बूथ से बोल रही हूँ। डोंट वरी, मैं भी पहुँचता हूँ। कहाँ से बोल रही है? सर सितारा होटल के बगल में एक पब्लिक बूथ है, वहां से बोल रही, बुलाया है। तो फौरन निकल जाओ। सर प्यारे मोहन आएगा उसे भेज दीजिएगा। और अगर वो दो घंटे बाद आए तो मैं क्या करूं सर? देखो अर्जुन सिंह, ये मधु के मर्डर केस में हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट विटनेस है, तुम प्यारे मोहन बनकर उसके पास जाओगे और उसी अंदाज में उसे बात करोगे, दैट्स माय ऑर्डर। मैं इंस्पेक्टर प्यारे मोहन हूँ। मैं कैसे यकीन करूँ, तुम्हारे पास बैच भी नहीं है। हाँ ठीक है, तो मैं पुलिस स्टेशन चला जाता हूँ, आप फिर फोन घुमाइएगा, मैं ही फोन उठाऊंगा, मैं ही वापस आऊंगा। नहीं 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 प्लीज रुकिए, मैं बहुत घबरा गई हूँ, इसलिए समझ में नहीं आता किस पे यकीन करूँ किस पे नहीं। आप मुझ पर यकीन कीजिए ना, आइए मेरे साथ आइए। कहाँ? कहाँ? प्यारे मोहन के घर में, यानी मेरे घर में, वहाँ आपको कोई खतरा नहीं। आइए आइए आइए। घबराई नहीं है, पुलिस वाले का घर है, यहाँ आपको कोई खतरा नहीं, आप यहीं रुकिए, मैं चाबी लेकर आऊंगा। सर सलाम साहब। प्यारे साहब तो घर में नहीं है। हाँ हाँ मालूम है, उनके फ्लैट की चाबी चाहिए मुझे। चाबी? लेकिन क्यों? सवाल नहीं, चाबी। चाबी लेकिन क्यों सर? फिर सवाल। सॉरी सर सॉरी। सुनो जी, वो प्यारे मोहन आए तो उनको ऊपर आने मत देना, यहीं रोक लेना। जी समझ गया। क्या समझ गए? यही कि उनको यहाँ रोक लूँ, ऊपर ना चढ़ने दूँ, क्योंकि ऊपर तो आप जा रहे हैं। आइए आइए ना, यहाँ ये मेरे घर में आप बिल्कुल सेफ है, यहाँ आपको कोई कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि ये पुलिस वाले का घर है। यहाँ नहीं संभालेगा, सीढ़ी है, सीढ़ी है यहाँ पर, यहाँ आपको कोई नहीं ढूंढेगा, ये एक पुलिस वाले का घर है, कोई नहीं। बहुत गर्मी लग रही है। हाँ गर्मी लग रही है, पंखा चला देते हैं, पंखा कुछ यहाँ होना चाहिए, ये रहा ये स्विच है, ये पंखा, ये ले। ये तो लाइट जल गई। हाँ लाइट जल गई। हाँ लाइट ही तो जलाई है। फिर लाइट जल गई। हाँ फिर लाइट जलाई है, लेकिन ओ हाँ ये, हाँ ये रहा ये फैन, देखिए चल रहा। आपका बेडरूम कौन सा है? बेडरूम, हाँ बेडरूम, ये वो सभी रूम है, सब मेरे बेडरूम है, क्या है अकेला रहता हूँ, जहाँ जी चाहता है वहाँ सो जाता हूँ, ये मेरा स्टाइल है। वैसे आप ये मेरा फेवरेट रूम है, आप यहाँ आ जाइए बड़े शौक से। मैं खोलूँ? हाँ। ओह वो क्या है कि पुलिस स्टेशन का जो दरवाजा है वो अंदर की तरफ खुल। इतनी सारी लड़कियों के फोटोस, ये सब आपकी गर्लफ्रेंड्स हैं? नहीं नहीं गर्लफ्रेंड नहीं, ये तो ये सब वांटेड हैं, वांटेड। आपको तो भूख लगी होगी, मैं अभी आपके लिए, यहाँ किचन है, आपके लिए कुछ खाने को ले आता हूँ। हेलो ये बाथरूम है,
ये टब है और साबुन भी रखा है और तौलिए और पानी सब कुछ है। मैं आपके लिए कुछ खाने को ले आता हूँ। मकान जी चाबी दे, चाबी दे। अच्छा अच्छा चाबी तो मेरी मिलेगी साहब। क्यों आप अभी ऊपर नहीं जा सकते? अबे भांग खाया हुआ है क्या, मैं अपने घर में नहीं जा सकता? साहब मैं तो अर्जुन साहब की ड्यूटी बजा रहा हूँ, उन्होंने ऐसा करने के लिए कहा है। अबे नौकर तू मेरा है, ड्यूटी उसकी क्यों बजा रहा है? साहब वो एक लड़की को लेकर आए और कहने लगे कि अगर प्यारे आए तो यहीं रोक लेना, ऊपर मत आना क्योंकि ऊपर मैं हूं। ये इससे पहले कितनी लड़कियां ला चुका है? नियत जिसकी गंदी हो वो भला अच्छा कैसे सोच सकता है? अच्छा मतलब आप गलत काम करें और हम लोग गलत सोचे भी नहीं, आप माँ और सीमा को क्या मुंह दिखाएंगे? अरे आप समझ में आया, इसीलिए इतने साल शादी नहीं की। ये लड़की नेहा है तो? अरे मधु के खून की चश्मदीद गवाह। तुझसे मिलना चाह रही थी, तू था नहीं तो कमिश्नर ने प्यारे मोहन बना के मुझे यहाँ भेज दिया। तू इसे यहाँ क्यों ले आया? और कहाँ ले जाता? ये गैंगस्टर लोग अब इसके पीछे पड़ गए हैं, मुझे तो इससे ज्यादा सेफ जगह मिली नहीं और कहीं। तो ये यहाँ नहीं, मैं कहाँ? भाई ये मैं नहीं जानता। मैं तो यहाँ अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ, कुछ दिन प्यारे मोहन बनकर मुझे यही रहना पड़ेगा। तो ठीक है, कुछ दिन मैं भी अर्जुन बनकर तेरे घर में टिक जाता। मैं इसे अपने घर में नहीं रख सकता। क्यों नहीं रख सकते? सर आप समझने की कोशिश कीजिए, मेरी एक जवान बहन है। हाय हाय कितने शर्म की बात है, एक वर्दी वाला वर्दी वाले पर भरोसा नहीं रखता तो बाहर वाले क्या खा करेंगे भरोसा? सर मुझे वर्दी पर भरोसा है लेकिन वर्दी के अंदर जो आदमी है उस पर भरोसा नहीं है। आज एक इंस्पेक्टर कमिश्नर की बात नहीं सुनता, एक मैं हूँ, जैसे आपने मुझसे कहा कि मुझे इनके घर में रहना पड़ेगा मैं एक शब्द भी नहीं बोला। सर तो फिर मैं चाहूंगा कि नेहा को सच बोल दिया जाए। बेवकूफ वाली बात मत करो, अगर तुमने उसे बता दिया कि तुम प्यारे मोहन नहीं अर्जुन सिंह हो तो उसका पुलिस पर से विश्वास उठ जाएगा, वो सोचेगी कि पुलिस कोई गेम खेल रही है, इसलिए जब तक लड़की खूनी को पहचान नहीं लेती ये नाटक जारी रहेगा, ये मेरा हुक्म है। चलो आखिर आ ही गए। माँ नमस्कार। माँ नमस्कार। नमस्कार। अरे दोनों एक साथ आए हैं, लगता है सुलह हो गई आपस में। माँ मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ। अरे भैया अचानक? हाँ वो क्या है कि पुलिस वालों का काम ही कुछ अचानक होता है, आज रात की फ्लाइट से मैं दिल्ली जा रहा हूँ। लेकिन मैम हम लोग भैया के बगैर अकेले कैसे रहेंगे? हाँ कोई तो होना चाहिए ना हमारे साथ। हाँ ये जब तक मैंने वापस आ जाता तब तक यहाँ ना ये प्यारे मोहन यहीं। हाँ तो ठीक है। तेरी भी बात समझ में नहीं आती, कभी तो कहता है इसे घर में घुसने मत देना, अब इसे यहाँ छोड़कर जा रहा है। अब कुछ भी हो माँ है तो अपना ही, और फिर एक पुलिस वाला ही पुलिस वाले की हिफाजत कर सकता ना। हाँ एक दिन में कितने सुधर गए। सीमा जी एक टिफिन खाने का भर देना जरा प्लीज। हाँ लेन से जा रहा हूँ ना, खाना मिलता है वहाँ। वो क्या है माँ की तुम्हारी याद आएगी तो तुम्हारे हाथ का बना हुआ खाना खा लीजिए। ये लीजिए खाना। कहाँ खाना चाहेंगी? यहाँ खा ले। हाँ आइए यहाँ खा लेते। ये आपके घर में इतने सारे फोटोग्राफ्स, ये कौन है? ये तो प्यारे अर्जुन सिंह। अर्जुन सिंह है? अर्जुन सिंह कौन? मेरा दोस्त, मेरा भाई, मेरा सब कुछ। मगर आपके फोटो कम, इनके ज्यादा क्यों? हाँ मेरे फोटो कम है, मैं तो यहीं रहता हूँ इसलिए मेरी फोटो लगाने की क्या जरूरत है। ये यहाँ रहते नहीं है इसलिए जब भी इनकी याद आती है फोटो देख करके अपना दिल बहला लेता हूँ। ये लीजिए खाना खाइए। आइए। ये तो घर का खाना लग रहा है। हाँ घर से ही आया है। किसके घर से? अपने अर्जुन सिंह के। लगता है आप उसे बहुत प्यार करते हैं। बहुत नहीं बहुत ज्यादा, इतना प्यार करता हूँ कि 24 घंटे उन्हीं के बारे में सोचता रहता हूँ। न जाने इस वक्त क्या कर रहा होगा कमबख्त। ये लो खाना खाओ। भिखारी को खाना डाल रही हो, जरा तमीज से नाम लेकर बोलो खाना खाओ। मोहन खाना खाओ। भत्ता वसूल कर रही हो हाँ, जरा प्यार से नाम लेकर बोलो यार खाना खाओ। प्यारे खाना खाओ। आहा ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने पत्थर दे मारा हो। अरे इतना प्यारा नाम है मेरा, प्यारे बोलो प्यारे खाना खाओ। प्यारे खाना खाओ। मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा झूठा प्यार कभी नहीं देखा। ठीक है मैं खा लेता हूँ। मैं खिलाती हूँ। आहा दोनों भाई बहन है ना, इतनी इज्जत से पेश आते हो। अच्छा से मैं एक बात बताऊं, एक लड़का एक लड़की जैसे मैं और तू दोनों जिंदगी में एक साथ रहना चाहते हूँ, एक घर में एक कमरे में, तो उनको क्या करना चाहिए? भैया से पूछ के बताऊंगी। क्या गलत आदमी का नाम ले रही हूँ यार, जब देखो मेरे और तुम्हारे प्यार के बीच में ये भैया कहाँ से आ जाते हैं? कुछ भी नहीं कर रहा हूँ मैं, तमीज में तुम। अरे सीमा 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 क्या बात है, जुकाम हो गया? नहीं मैं देख रहा हूँ क्या आपने मेरा परफ्यूम यूज किया है। अब आपके घर में रहेंगे तो आपके घर की चीजों का इस्तेमाल तो होगा ही।
हाँ, लेकिन हम भी आपके घर में रहे, मगर हमने आपके घर की कोई भी चीज का सदुपयोग नहीं किया। घर लगाया। हाँ हेलो जान। हाँ कैसे? हाँ समझ रहा हूँ, रात भर सोई नहीं मेरी याद में, उबासी आ रही, नींद आ रही, मुझे भी आ रही है, क्या करें, ड्यूटी है, करनी पड़ती है। हाँ भैया, अरे भैया से क्या डरना, वो कहावत नहीं सुनी तुमने, प्यार किया तो डरना क्या। हेलो सीमा, कोई नहीं है। मजाक करने की आदत गई नहीं इसकी। ए प्यारे मोन, कहाँ खो गए तुम? हाँ हाँ हाँ, अरे नहीं, वो सुबह सुबह एक पुलिस स्टेशन से फोन हुआ था, तब से बड़े बुरे बुरे सपने आ रहे हैं। मैं जरा एक फोन कर लेता मेरी बहन के साथ। प्यारे छोड़ो ना, हम किसी को एक बार पकड़ लेते तो छोड़ते नहीं। क्या कर रहे हो? वही जो करना चाहिए। टेंशन, कोई आ जाएगा। कौन आएगा? माँ तो तुम्हारी हमेशा सोती रहती है और भाई तुम्हारा है नहीं। कहाँ जा रहे हो? और एक लड़की की इज्जत खतरे में है। अरे तुम? हाँ मैं। अरे तुम चोरों की तरह छत से क्यों आए? ये मेरा घर है। देखिए कि मेरा घर है, मैं छत से आऊँ, खिड़की से आऊँ, दरवाजे से आऊँ, तुमसे मतलब? तुमको मेरे पे शक होने लगा? शक नहीं कर रहा हूँ प्यारे, तो मैं तुम्हारी वर्दी की कसम, तुम मेरी बहन के साथ कुछ उल्टा सीधा तो नहीं? राम 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 राम, अभी तक तो मैंने कुछ उल्टा सुल्टा नहीं किया, मगर जिस तरह तुम मुझ पर आरोप लगा रहे हो, मैं सोच रहा हूँ कि मैं कुछ उल्टा सुल्टा कर दूँ। क्या कर दोगे? मैं सोच रहा हूँ कि मैं तुमको अपना साला बना दूँ भैया। हमें यहाँ कहीं घूम के आए हम। चलो इश्क लड़ाई।
सर आप मुझे वापस मेरे घर भेज दीजिए और प्यारे मोहन को उसके घर। अब मैं प्यारे मोहन को अपने घर में और रहने नहीं दूंगा। देखो अर्जुन सिंह, मैंने पता लगाया है कि प्यारे मोहन ही नहीं तुम्हारी बहन भी उससे प्यार करती है। सर मासूम है वो। अरे मासूम है मगर बालिक भी तो है, और मैं जानता हूँ तुम बाहर से कितना भी अकड़ो लेकिन अंदर से तुम भी प्यारे मोहन को चाहते हो, और तुम्हें घर जाने की जल्दी है। तुमने लेहा से खूनी का पता लगवाया, मुझे तो लगता है कहीं तुम्हारा भी उसके साथ। क्या बात कर रहे हो? जलक्रीड़ा कर रही है बेबी, है? तेरी वजह से हमको भी ठंडे पानी में उतरना पड़ा। इनको सर्दी की बीमारी है, निमोनिया हो जाएगा तो क्या करेंगे बोलो। बड़ी बेवकूफ है, अपना घर छोड़ के पुलिस वाले के घर में रहती है। अरे हमारे घर रहती तो ऐश करती और जान भी बच जाती। उधर ऐश करने के लिए शिव लंबू है, इधर मैं हूँ शरद है। अब जल्दी बोलो क्या करना है, ठंड लग रही है। क्या करना, क्या इसको मारना है, ये भी जानती है ये। कहाँ जा रही हो, क्या कर रही हो, कहाँ जा रही हो, क्या हुआ, क्या हुआ? ये कौन है? ये हाँ गणपत रानी। नहीं 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 ये नहीं। फिर इसका नाम क्यों लिया तुमने? ऐसे ही। ये कौन है? ये हाँ अजीज जनता साले तू ही। नहीं साहब। बोल कौन करता तुम्हारे साथ? सब मैं साथ। सब करता तेरे साथ सब। अबे बोला तेरी। अरे ये क्या कर रहे हो, ये वो नहीं है। ओ शट अप शट अप। एक खूनी को पहचानने के लिए तुम्हें यहाँ बुलाया था, तुम तो एकदम कंफ्यूज हो। एक शक्ल ने पहचान सकती तुम? पहचान सकती हूँ। तो फिर पहचानते क्यों नहीं हो? जबरदस्ती पहचानू क्या? एक तो मैं वैसे परेशान हूँ और ऊपर से तुम चिल्ला चिल्ला कर बात करते हो, मैं जा रही हूँ। अरे सुनो देखो, हेलो नेहा कहाँ जा रही हो तुम? देखो मेरी बात सुनो, इतना गुस्सा अच्छा नहीं होता है। जब मैं आपसे बात नहीं करना चाहती आप क्यों मेरे पीछे पड़े हो? मैं आपको नहीं जानती। अरे नेहा नेहा ओ डार्लिंग, अगर तुमसे नहीं जानती तो हमें पहचान लो। ओ जल जाना ढूंढे तुझे दीवाना। ओ जल जाना क्या बोलती तू? चलो घर चलते हैं। क्यों? ये मजाक का वक्त नहीं है, ये गुंडे मेरे पीछे पड़े हैं। ये गुंडे? अरे नहीं, शक्ल सूरत से कितने शरीफ आदमी लग रहे हैं। ए लंबू सुनो, लड़की छोड़ो और निकलो यहाँ से। देखा तुमने कितनी शराफत से बात कर रहे हैं। और बहुत जबान चलाता है तू। तेरी तो भाई साहब जबान ही नहीं, कभी कभी हाथ पांव भी चला लेते हैं। देखा कितने शरीफ लोग हैं बेचारे, कुछ बोल ही नहीं रहे। खाम खा बिटवा दिया तुमने तो। चलो ना। कहाँ? घर चलेंगे। अरे तुम तो खाम खा गले लग रही मेरे। अरे I'm not afraid.
कर मुझसे दिल रुबा, तेरी तबीयत ठीक नहीं है ले ले तू दवा, क्या तुझे हो गया दिल प्यारे में खो गया। दिन तक दिन, दिन तक दिन होना था ये एक दिन, दिन तक दिन, दिन तक दिन होना था ये एक दिन, मुझको नहीं था पता दिन, 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 प्यारे अर्जुन सिंह कैसा रहे तू? मेरे प्यारे तू कैसा है? कितने दिनों के बाद मिले हम, गले नहीं लगोगे? हाथ नहीं मिला गया। आओ चलो बाहर चलकर प्यार मोहब्बत की बातें करते हैं। कैसी बातें कर रहे हैं आप? अभी अभी तो आए हैं, चाय वाय तो पीने दीजिए ना। ये चाय नहीं पीते, मैं कॉफी पीता हूँ। हाँ। क्या बताऊँ मेरे दोस्त प्यारे, तुमसे बैठकर बात करने के लिए मेरे दिल में कब से अरमान जग रहा है। जितने अरमान है सब बाहर चलकर पूरा कर लेते हैं। बाहर क्यों, यही बैठकर बात कर सकते हैं ना। आप इन्हें इतना चाहते हैं, पूरे घर में इन्हीं की फोटोस लगा रखी हैं। ये फोटो में ही अच्छे लगते हैं, घर में नहीं। नेहा बाहर चलते हैं। नेहा नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी? देखा आपने? देख रहा हूँ। इसी बात की शिकायत है मुझे, यहाँ लाकर कैद कर दिया, कहीं घुमाने भी नहीं ले जाते हैं। कोई बात नहीं, मैं आ गया हूँ ना, मैं तुमको घुमाने के लिए बाहर ले जाऊंगा, आई प्रॉमिस। एक्सक्यूज मी, ये केस मेरा है। ये हमारे बीच में तुम्हारा मेरा कब से हो गया? एक पुलिस ऑफिसर की मदद करना दूसरे पुलिस ऑफिसर का फर्ज है यार। मुझे आपकी मदद की कोई जरूरत नहीं, इस केस को मैं हैंडल करूंगा। ओहो, क्या तुम इस केस को हैंडल करने के लिए तैयार हो? मैं समझी नहीं। मेरा मतलब है कि प्यार की गाड़ी में जब तक रजामंदी का हैंडल ना लगा हो तब तक गाड़ी ठीक से चलती नहीं है। क्या तुम इसे प्यार करती हो? शर्मा के मुंडी नीचे यानी कि ग्रीन सिग्नल। क्या तुम इसे प्यार करते हो? ये क्या बकवास कर रहे हो? नेहा तू निकल यार, नेहा नहीं जाएगी। क्या तुम इसे प्यार करते हो? क्या बकवास कर रहे हो? नेहा तू चल यार, नेहा नहीं जाएगी। क्या तुम इसे प्यार करते हो? क्या बकवास कर रहे हो? अरे बोल दो ना यार, वरना जिस तरह से उम्र हाथ से छूटती जा रही है उसी तरह से लड़की भी हाथ से छूट जाएगी यार। जी जी सर। हाँ सर, आपका फोन सर। एक मिनट सर, लगता है आज आप लेके जा रहे हैं घुमाने के लिए। यस हाँ, ये आप? Yeah!
प्यारे के लिए कैसा रहेगा? प्यारे नहीं, इंस्पेक्टर प्यारे मोहन कहो। अपने होने वाले जीजा जी का नाम इज्जत से लिया करो। ठीक है। एक्सक्यूज मी जी, आपने अभी अभी प्यारे मोहन का नाम लिया। क्यों, आपसे प्यार करते हैं? जी हाँ, और मैं भी उससे बहुत प्यार करती हूँ। क्या हुआ? वो मुझसे भी प्यार करते हैं। क्या भैया ठीक कहते थे, प्यारे भरोसा लायक नहीं है। वो हम दोनों को धोखा दे रहा है और न जाने कितनी लड़कियों को धोखा देगा। तुम ठीक कहती हो, क्यों ना हम उसकी कंप्लेंट करें। हाँ। प्यारे मोहन इंस्पेक्टर, क्या किया उसने? हम दोनों के दिल से खिलवाड़ किया है उसने। और एक तरफ उसे प्यार का झूठा नाटक किया और दूसरी तरफ मेरे साथ भी प्यार का नाटक करता रहा। हम दोनों को धोखा दिया है उसने। अभी बुलाते हैं प्यारे मोहन को। प्यारे मोहन। सर, सर आपने मुझे बुलाया? सर, प्यारे मोहन इनको पहचानते हो? नो सर। क्या? यस सर। ये प्यारे मोहन नहीं, ये तो अर्जुन सिंह है। अरे यही तो प्यारे मोहन है, अर्जुन सिंह तो हमारे भाई है। मर गए। सर, आपकी वजह से सीमा मुझ पर शक कर रही है, कुछ कीजिए। तुम्हें मुझसे झूठ बोलने की क्या जरूरत थी कि तुम अर्जुन नहीं प्यारे मोहन हो? शांत हो जाइए देवी जी, अभी के लिए तो ये झूठ बोला गया है। मेरी वजह से? हाँ, मेरे कहने पर अर्जुन सिंह तुमसे प्यारे मोहन बनकर मिला था। मगर क्यों? इसलिए कि आपने रट लगा रखी थी कि प्यारे मोहन के सिवा आप किसी को कुछ नहीं बताएंगी। मुझे बाद में तो बता सकते थे ना। मैंने बोला भी था ना, बता दो। शट अप, मुझे झूठे आदमी से बात नहीं करनी है। अरे देखिए तो, और मुझे झूठे आदमी का साथ नहीं देना। हेलो, ये तो गई। प्यारे कुछ कीजिए। सर, ऐसी सिचुएशन में आप हमारी कोई मदद? हाँ, मेरे ख्याल से ऐसी सिचुएशन में हो जाना चाहिए गाना। प्यार हमारा
दीवाने हैं हम छोड़ के ऐसे ना जा। रस है तेरी आंखों में मधुशाला, आते होठों पे अमृत रस है तेरी आंखों में मधुशाला, तेरी मधुर मधुर मुस्कानों ने मुझको पागल कर डाला। सही, लेकिन तूने मेरा बहू का अरमान तो पूरा कर दिया। आज से तू यहीं रहेगी। वैसे भी सीमा के चले जाने के बाद घर में बहू की जरूरत तो थी। कंपनी के लिए कोई तो चाहिए ना माँ को। सीमा कहाँ जाने वाली? क्यों शादी नहीं करेंगे किसकी? हाँ, कोई ढंग का लड़का मिलेगा तो शादी करेंगे ना। ए साले, कोई गड़बड़ मत कर। ए गाली नहीं देना, साला ही बोलना है तो पहले शादी कर ले। अरे ये खुसर पुसर क्या हो रही है? कुछ नहीं माँ। कुछ नहीं माँ को सब पता है। माँ सोती भी है तो आंखें खोल कर। माँ की मर्जी के खिलाफ इस घर में कुछ नहीं हो सकता। माँ माँ मा, मा। वैसे प्यारे मुझे हमेशा से पसंद है। ये अच्छा हुआ कि बहू के साथ साथ एक दामाद भी मिल गया। भगवान तुम सबको सुखी रखे। हो रहा है? तुम्हारी जिंदगी में कभी कोई तकलीफ ना आए। बड़ा गाड़ी आ रही है, जाके भिड़ा दे। हाँ हाँ ठीक है, भिड़ जा। ठीक हाँ, लेकिन जो सवाल का है, सवाल का। तुम लूट लेना। बिल्कुल बिल्कुल देख। हाँ तुम लूट लेना। हाँ लूट लेना बड़े। हाँ लूट लेना। हाँ लूट लेना साले को। ये तो संभाल के जाना। हैरान। अरे बाप रे, तो वही है। हैरान। अरे पुलिस वाले को उड़ाया तूने सर। बन गया रे। हैरान। ए छक्के, ए छक्के, बाप रे बाप। पुलिस स्टेशन मत लेके जा, जो करना यहाँ सेटल कर। क्या करेंगे, क्या करेंगे? जो लेने देने की बात यहाँ खत्म कर। क्या लेने की बात कर रहे बड़ा? बड़ा हाँ हमारी जिंदगी से दूर जा रहे। बड़ा उजाले दूर जा रहे उसकी जिंदगी से यार। दिखा नहीं दे रहा कुछ। अरे उसे कुछ दिखा नहीं दे रहा यार। बड़ा बोल, हम जा रहे भाई। अरे नहीं नहीं जा रहा नहीं छोटे, ये जा रहा है। ये पैसा ले, इसे हॉस्पिटल ले जा, हॉस्पिटल ले जा। ये ठीक है, डॉक्टर की फीस कौन देगा? अरे हम दे देना भाई, हम दे दे। ये लो। अरे ये तो डॉक्टर का था। दवाई का कौन देगा भाई?
दवा का कौन देगा? अरे भाई हमारे पास इतना ही है, बाकी नहीं। अंगूठी असली है, उतारिए। ये भी असली है भाई। घड़ी उतारो भाई। हाँ घड़ी उतारो, घड़ी उतारो। आप नेकलेस उतारिए। ठंडी लग रही, कोटवा उतार लो। इन्हें ठंडी लग रही, कोट उतारिए, कोट दे, कोटवा उतारिए। बड़ा सर दर्द कर रहा, सर दर्द कर, टोपी टोपी। अरे सर दर्द कर रहा, टोपी दीजिए, टोपी दीजिए। ये लो टोपी, टोपी। अरे ये क्या है? सर ये कार की चाबी। इधर ला भाई, इसे उठा के अस्पताल कैसे ले जाऊंगा मैं? ये तो बात है, गाड़ी में जाएंगे। हाँ गाड़ी में जाएंगे हम, आजा छोटे बेटा। पैदल से जाएंगे पागल। ये भाई साहब हट जाएंगे तो गाड़ी चढ़ा देंगे हम। बड़े हम लोग के पास पैंट भी नहीं है, इनकी पैंट तो पागल है। अपना जिंदगी में इतना चोर और पाखंडी बाबा नहीं देखा हूँ। अरे बाबा का मजाक कर रहे हो? अरे पाप लगेगा पाप। अरे पाप क्या, हमको तो सबसे बड़ा पाप यही लगता है। बच्चे अभी हम तुम्हारी शंका दूर किए देते हैं, हमारे पास आओ। तो आते हैं, हम क्या डरते हैं क्या? हमारे पास आओ, आओ। लीजिए आ गए। देखो बच्चा, हम बता दें कि तुम्हारी इस दाहिनी जेब में एक पर्स है। तो जेब में पर्स नहीं तो क्या नरस होगी? और उस पर्स के अंदर 685 रुपए बारह आने हैं। 685 तो हमको मालूम है, देखते हैं साला बारह आना निकलता है। अरे वाकई बारह आना है भाई? अरे कुछ नहीं कुछ नहीं, पाकिट मार होगा इन्होंने, हमारा पर्स मारा होगा, चेक करके वापस रख दिया होगा। अगर अभी हमारी बातों पे यकीन ना रहा हो तो हम आपको इतना बता दें कि वैशाली नाम की लड़की से आपका प्रेम है। बाबा महाराज की जय हो। और एक बात बता दें कि वैशाली के पिता जो है वो इस संबंध से बहुत खुश है। दो बार आपकी जान पर प्रयत्न हो चुका है, दोनों बार असफल रहा, तीसरी बार सफल हो जाएगा। बचा लीजिए बाबा, बचा लीजिए, हम मरना नहीं चाहता हूँ, हम इस गलती का प्रायश्चित करना चाहता हूँ। क्या करना चाहते हूँ? ठीक ठीक है, हाथ में इस धूरी को पकड़िए, मंत्र का उच्चारण होगा, दूरी को अग्नि में पेश किया जाएगा और स्वाहा बोला जाएगा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम करो ध्वजा मंगलम। पुंडली पुंडली हरिओम, पुंडली काक्षाय मंगलाय तनो हरि ये सारा सामान किसका है? अरे वही मुंबई है, मुंबई। हाँ मुंबई। अरे क्या देख रहा है? ये क्या के फल फल के सामान की तरफ देख रहे हो? आंखें निकाल के गोटी खेल देंगे। ये सब सामान किसका है? और इंग्लैंड की महारानी आई थी, अपना सामान छोड़कर चली गई। अबे साले, सामान के बगल में हम खड़े हैं, हमारे बगल में सामान खड़ा है, तो सामान के तेरे बाप का हो गया। बोलो। मगर इतना सारा सामान तुम दोनों का? अबे क्यों नहीं हो सकता? देखिए इस बैगवा के अंदर हमारे दाएं पांव का मोजा है, और इसमें बाएं पांव का मोजा है। उसके अंदर हमारे दाएं पांव का जूता है, इसमें बाएं पांव का जूता है। उसके अंदर हमारी धोती धोती है, इसके अंदर हमारा कुर्ता कुर्ता है, और वो जो है उसमें हमारा कंगा कंगा है। अरे जो पेटी देख रहा है इसमें सब शीशा भरा है मुंह देखने के लिए, और बाकी जो बचा है। अरे बस बस बस, अरे बस नहीं, टेम्पो टेम्पो में जाएगा इस सारा सामान। चल भाई इधर आप, ये टेम्पो स्टैंड का इंचार्ज कौन है? हुजूर हम हैं। ये टेम्पो नंबर MH004917 का मालिक कौन है? हुजूर ये हमारे स्टैंड का टेम्पो नहीं लगता है। अबे ये सुडान कटोले का मालिक कौन है? मैं हाजिर हुआ जनाब, ग्राहक है, अभी हाजिर होता हूँ जनाब। जल्दी आना बे। जी अभी हाजिर हुआ, रुको मैं आ रहा हूँ। अबे टेम्पो में सामान रखना, तेरे मुंह के अंदर नहीं, बंद कर। तबे ठीक है, टेम्पो में सामान रखना। अभी आया। अबे क्यों पुलिस वालों को धूप में खड़ा रखता है? पुलिस वाले के नाक में उंगली करता? ए, कान खोल कर सुन ले, कल हम फिर आएंगे, नाम पता मालूम होना चाहिए, वरना तू अंदर, समझे? बड़ा। ए, टेंपो वाला कहाँ गया? ए, लगता साला टेंपो देने के मूड में नहीं है। तो फिर क्या किया जाए? ऐसा ही ले चलते।
बहुत बेशरम लग रहा है साले, हमारे एक टेम्पो के पीछे अपने 15 टेम्पो लगा दिए। बता तो क्या किया जाए इन लोग सालों का? अरे वही जो आज तक करते आए हैं, आ जाओ। हाँ भैया, जिस जिसको हाथ से पिटना हो इनसे मिले, और जो लातों के भूत है ना वो इनसे मिले। चल जैसे शोले फिल्म की शूटिंग चल रही हो। कसम उड़ान झल्लेगी, दोनों के दोनों बीसों के बीसों में भारी पड़ रहे हैं। अबे ये छोटे वाला तो कबड्डी कबड्डी करके बड़ा कमाल कर रही है यार। और ये लंबे वाला तो टांगे उठा उठा के लंबी लंबी मार रही है। क्यों भैया? अरे यार ना, धोती में जैकी चैन और ब्रूस ली को पहली बार देख रहा हूँ। आपकी तारीफ भैया? तारीफ उस खुदा की जिसने ये जहां बनाया है। बंदे को शराफत अली कहते हैं। एक बात बताइए शराफत भाई, ये चोरी का माल यहाँ कहाँ बिकता है? लोकल लो बात। अबे बैखाने में खड़ा होके अंगूर की बेटी का पता पूछ रहा है। अबे इस पूरे इलाके को चोर बाजार कहते हैं, और जहाँ तुम दोनों के दोनों खड़े हो ना, ये चोर बाजार के बेताज बादशाह शराफत अली की दुकान है। ये तो ही मेरी बात, अब तुम बताओ क्या बेचना है? वो सामने के टेम्पो में जितना माल पड़ा है ना, सबका सब बेच डालना है हमको। अबे इतना सारा माल कहाँ से चुरा के लेके आए हो? एक ट्रेन चुरा ली थी हमने। क्या रेलगाड़ी बे? प्लेन इसलिए नहीं लूटते कि ऊपर से माल फेंकेंगे नीचे टूट जाएगा। अबे कॉमेडी अच्छी करता है बे। छोड़ देते हैं हल्की फुल्की कभी कभी। अच्छा तुम दोनों हो कौन? ना चीज को बड़े मियाँ कहते हैं और इस चीज को छोटे मियाँ। जना भाई ये बंदे का नाम है शराफत अली, कसम उड़ान झल्लेगी पूरे चोर बाजार में पिछले 9 सालों में शराफत अली ने पैसा नहीं कमाया, लेकिन शराफत से इज्जत बहुत कमाई है। इज्जत? हाँ शराफत भाई वाह, ये तो हद हो गई शराफत की, के नाम भी शराफत है। हाँ, आप जैसा शरीफ आदमी इस धंधे में पड़ कैसे गया? कैसे भैया? गुस्से में पड़ गया। गुस्से में? गुस्सा? हाँ, हुआ यूं कि भोपाल से मुंबई अपनी जोंगा जीप लेके मैं घूमने के लिए आया था। तो फिर? तो इस चौराहे पे अपनी जीप खड़ी करके होटल में चाय की चुस्की लेके वापस आया तो देखा मेरी जोंगा सामने की दुकान पे बिक रही थी।
सामने की दुकान पे? हाँ वो सामने की दुकान पे। भैया टायर अलग, इंजन अलग, स्टेयरिंग अलग। मैं दुकान वाले से बोला, भैया ये तो मेरी जोंगा है। कह रहे लगा कौन सी जोंगा, अब तो तेरे को खरीदनी पड़ेगी। मेरे कई मेरी जोंगा, मैं खुद ही खरीदूंगा, मुझे आ गया ताओ। मेरे कहा तेरी ऐसी की तैसी, शराफत अली से पंगा। भैया उस दिन के बाद इस चोर बाजार मार्केट में जम गया। रात को उसी का बाल चोरी करके उसी को बेच डालता था। भैया धीरे धीरे पूरी चोर बाजार मार्केट को टेक ओवर कर लिया। कसम बड़ान जल्ले की आज उसकी दुकान में चोरी का रुमाल तक नहीं मिलता, लेकिन शराबत अली की दुकान में एक दिन ताजमहल भी बिके। वोट डालो सामान के लिए। ओहो बस कर यार, 10 जोड़े दुल्हन के दूल्हे की तलवार, टीसी का कोट, 75 जोड़ी जूते, 100 मंगलसूत्र। अबे भैया इतना लंबा हाथ कहाँ से मार के आ रहे हो? और रेलगाड़ी की पूरी बोगी हमने उड़ा डाली। वो अरे वो छोड़ो ना यार, हमने सुना है मुंबई शहर में बहुत रंगरेलियाँ हैं। हाँ कुछ रंगरेली हमको भी दिखाई। अब भैया शराफत अली से दोस्ती की है तो कुछ करना ही पड़ेगा। अबे पंटलो, अबे शराफत अली के दरबार में छोटे मियाँ बड़े मियाँ आए हैं, अबे कुछ रंग जमाओ, नाच गाना दिखाओ और ठुमका लगाओ ठुमका।
सर, हम क्या सुन रहे हैं? कि कल रात आप रेड लाइट एरिया में गए थे, वहां आपने मुजरा देखा लड़कियों के साथ नाचे। हमें तो इस सच पर यकीन नहीं आ रहा सर। सर सर, मैं सर का मैं तो काड़ा हूं, चटपुंजिया हूं, मैं एड़ा हूं, चपड़गंजू हूं, मैं सर का हूं। क्यों अपने मुझसे अपना मजाक उड़ा? सर आपको ये चोटे कैसे लगी? सर चोटे कैसे लगी? मेरे जले पर नमक छिड़क रहे हो? सर आप तो ऐसे बोल रहे हो जैसे आपको ये चोटे हमारी वजह से लगी। हां हां, तुम्हारी वजह से लगी है। रात को तुम दोनों ने मेरे साथ क्या क्या किया? क्या किया? तुमने मुझे गालियां दी। हमने? हाँ, मेरे सर पर नोट उड़ाए। हमने? और मुझे धक्के दिए। हमने? हाँ, तुमने। सर ये आप क्या फजूल की बकवास, मेरा मतलब है कि बात करो। कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है, ये तुम दोनों की आखिरी वार्निंग थी। आइंदा कभी ऐसी हरकत की तो जिस पुलिस स्टेशन में पुलिस की वर्दी पहनकर घूमते नजर आ रहे हो उसी पुलिस स्टेशन में वर्दी उतरवा के लॉकअप में बंद करवा दूंगा। आज तुम पुलिस स्टेशन नहीं जाओगे। ठीक है, हम लोग किसी स्टेशन चले जाते हैं। शट अप। आज तुम दोनों फिल्म शूटिंग पर जाओगे। सर हमें शूटिंग देखने का कोई शौक नहीं। मैं तुम्हें फिल्म शूटिंग देखने नहीं भेज रहा हूँ। वो क्या है कि आजकल फिल्म इंडस्ट्री पर बहुत सारी थ्रेट्स आ रही हैं। माधुरी दीक्षित पर भी एक थ्रेट आई है। मैं चाहता हूँ कि तुम उससे रिपोर्ट लिखवा कर लाओ। दोनों माधुरी अबे हाँ छोटे माधुरी पे माधुरी। हाँ। हमारी माधुरी पे अटैक। अरे साला ईट से ईट बजा देंगे साला। कुछ नहीं कर रहे मुझे। अरे क्या बात कर रही है माधुरी जी, हमारे होते हुए पर हमला हो जाए हम होने नहीं देंगे। अरे आप बुलाइए नहीं, हम लोग आ गए। आपको गलत फहमी हुई है, यहाँ शूटिंग चल रही है। शूटिंग पिक्चर फिल्म शूटिंग शूटिंग। डेविड जी कौन है ये लोग? ये दोनों इंस्पेक्टर्स हैं, मुझे कंप्लेन लिखवानी थी इसलिए घर आए थे, लेकिन मैंने यहाँ बुला लिया। आई एम सॉरी। माधुरी जी हम लोग बड़ी माफी चाहते हैं। माफ कर दीजिए, हमें तो पता ही नहीं था कि यहाँ पर शूटिंग चल रही है। नहीं, नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बहादुर जी इनको कुछ ठंडा और चाय जी, इनको बिठाओ, चेयर लाओ। आप लोग बैठिए। वैसे धोती कुर्ते में आप लोग बहुत अच्छे लग रहे हैं।
छोटे कुछ समझे? समझ रहे हो ना? कुर्सी, चाय, ठंडा। धोते कुर्ते में बहुत अच्छे लग रहे हो। ये बड़े ये लड़के तारीफ और खातिर तो तभी करती है जब उसके मन में कुछ हो।
छोटे तुम्हें भाभी मिल गई। कौन? माधुरी। पागल होगा, माधुरी तुम्हारी बहू बनेगी। ए, माधुरी तुम्हारी भाभी बनेगी? बहू, भाभी तुम्हारी बहू। अरे भाभी, अरे बक्का झगड़ा कर रहे हम लोग, चलकर माधुरी से पूछ लेते हैं कि कौन शादी करेगा उससे। सर, आपको मैडम ने बुलाया है। जी हाँ, बुलाया है। चलिए चलिए सर। भगवान, I'm very sorry, आपको बहुत देर इंतजार करवाया मैंने। I'm so sorry। कैसी बातें कर रही हैं आप? जब आप इतने साल इंतजार कर सकती हैं, तो क्या हम कुछ घंटे इंतजार नहीं कर सकते हैं? मैं कुछ समझी नहीं। अब इसमें समझने को क्या है? एक ही नजर में तुम्हें हमसे और हमें तुमसे प्यार हो जाए, और तो और बात शादी तक पहुंच जाइए, किसने सोचा करता भाई? हमने तो सोचा नहीं था। ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? देखो घबराओ मत, जब तक तुम्हारा मन चाहे तुम फिल्मों में काम करना, जब मन उठ जाएगा शादी कर लेंगे। और उठो, उठो, उठो। अरे माधुरी, टेक शिट, गेट आउट। बहादुर, बड़ा क्या हुआ? हाँ, अरे होना क्या था यार, हम वहां गए तो माधुरी हमारे सीने पे रो दी। हमने कहा यार हम लोग की भी क्या जिंदगी है, चोरी चकारी ना घर ना खाट का, इससे शादी करके कहा इसको गली गली घुमाए, सीने पे पत्थर रखा, हमने इसको बोल दिया कि जाइए हम आपसे शादी नहीं करेंगे, आपको तो कोई भी अच्छा हीरो मिल जाएगा। अच्छा, कुर्बानी दे दी है? बिल्कुल, हम नहीं देंगे। कहे? हम जाके माधुरी के बंगले में टिक जाएंगे। देखो कैसे पटाते हैं। जाओ साले पिटोगे। उनका काम चार घंटे का है, उसके बाद दो घंटे डबिंग है, वो खत्म करके फिर मैं आपकी शूटिंग में आऊंगी। ठीक है, अब क्या करें, इतना एडजस्टमेंट तो करनी पड़ेगी। हाँ ठीक है, देखते हैं क्या। हाँ ओके, बाय। थक जाती होंगे ना? सुबह से लेकर शाम तक इतना लोग, इतना काम, एक लड़की जाके। सुनिए, आपके जो साथी है ना, वो बड़े बदतमीज हैं। उन्हें बात करने की तमीज नहीं है। इडियट। लेकिन आप मुझे बहुत सेंसिबल लगते हैं। हमको तो पहले ही मालूम था वो आपके लायक नहीं है, ऐसे ही जबरदस्ती पीछे पड़ गया। लायक तो हम है आपके। आज मार कर देख लीजिए, नचा कर देख लीजिए, लड़ा कर देख लीजिए, गवा कर देख लीजिए, गले लगा कर देख लीजिए, एक बार अपना कर देखो। माधुरी, क्या हुआ? उठो, क्या हुआ? निकलो यहाँ से। लेकिन हुआ क्या? बहादुर, अरे बहादुर बुला रही है बे। जी मैडम, इनको चलिए साहब, हाथ पर लगा, चलिए हाथ पर लगा, चलिए आप यहाँ से, चलिए। पता नहीं कैसे इंस्पेक्टर है। सॉरी मैडम। अच्छा माधुरी, आखिर हुआ क्या? आप लोग फिर आ गए? आप ही ने तो कहा था कि आप अपना बयान बाद में। मैं तुम दोनों की पुलिस कमिश्नर से कंप्लेन करूंगी, वर्दियां उतरवा दूंगी दोनों की। मैडम जरा तमीज से बात कीजिए, थोड़ा कुछ ज्यादा। अच्छा, अब मुझे तमीज आप लोग सिखाएंगे? गेट आउट, हटिए। तो तुम दोनों माधुरी दीक्षित से शादी करना चाहते हो? सर, आप हमारी बात तो सुनिए। कुछ नहीं सुनना मुझे, आईने में शक्ल देखी अपनी? एक जरूरत से ज्यादा लंबा, शुरू होता तो खत्म होने का नाम नहीं लेता, एक शुरू होता नहीं कि खत्म हो जाता है। सर लेकिन मेरी हाइट तो आपके आसपास ही है। शट अप। सर इसमें पर्सनल होने की क्या बात? यू ऑल्सो शट अप। सर आप जानते नहीं है, ये हीरोइनें होती है ना, इनकी हर बात में कोई पैतरा होता है, कोई अदा होती है। पब्लिसिटी। सर हमारे साथ नाम जोड़कर इससे पब्लिसिटी हासिल करना चाहती है। पब्लिसिटी हासिल करना चाहती है तो इंस्पेक्टर के साथ क्यों, कमिश्नर के साथ अपना नाम जोड़े? मेरी गलती थी कि तुम दोनों को मैंने भेजा, लेकिन अब मैं खुद जा रहा हूं। माधुरी मैं आ रहा हूं। पिटेगा, बहुत ज्यादा पिटेगा। इतना जय जोरे दिल आप जा रहे हैं? हाँ, ड्यूटी, ड्यूटी पे जा रहा हूं। ड्यूटी ड्यूटी ड्यूटी, इसके अलावा कुछ याद है आपको? हाँ याद है। क्या? तुम? आज का दिन क्या है? मंगलवार। और क्या? और क्या? 23 मार्च। 23 मार्च का खास दिन याद है आपको? 23 मार्च का खास दिन? अरे क्यों इतना फुटेज खा रही है, जल्दी बताओ बात क्या है? आज सीमा का बर्थडे है। अरे बाप रे, इतना खास दिन भूल गया। सीमा 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 सीमा, आज के दिन की बहुत बहुत बधाई, वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू। आज के दिन पैदा हुई, आज इतनी बड़ी हो गई, मुबारक। आपको जरूर नेहा ने बताया होगा,
अरे क्या बात कर रही हो? एक भाई अपनी बहन का बर्थडे भूल सकता है? उल्टा मैंने नेहा को बताया कि आज तुम्हारा जन्मदिन है और तुम्हें बधाई देना ना भूले। नेहा ने मुझे सुबह सुबह ही मुबारकबाद दे दी। अरे भैया कहाँ जाऊँ मैं? रुकिए, मैं आपका मुंह मीठा करा देती हूँ। हाँ बिल्कुल, और देखो पूरी तैयारी करना। हाँ, शाम को केक कटेगा, खाना खाएंगे, देयर विल बी लॉट्स ऑफ। चुप बता तुम। अरे एकदम एम्बैरस कर देती हूँ तुम तो। अरे भूल जाते हो और गुस्सा मुझ पर करते हो, और कुछ याद है कि नहीं? क्यों अभी भी कुछ बाकी है क्या? कहीं आज तुम्हारा बर्थडे तो नहीं है? आपने सीमा को वादा किया था उसके बर्थडे पर नेकलेस देंगे। अरे बाप रे, ये मेरी याददाश्त को क्या हो गया है। ऐसा करते हैं, रास्ते में पब्लिक ज्वेलर पड़ता है, मैं उसे ऑर्डर दे देता हूँ, तुम जाकर के वहां से ले आना उसे। नहीं नहीं, ऐसा करते हैं, शाम को लौटते वक्त मैं ले आऊंगा। हाँ। यहाँ वहाँ क्या देख रहे हैं साहब? क्या यहाँ वहाँ देखने में कोई पाबंदी है क्या? अरे नहीं। अरे यहाँ वहाँ देखकर ही तो माल चुनेंगे। हाँ हाँ, जो सिलेक्ट करना है बाद में करना, पहले ये तो देखिए जो आपने बनवाया है। ये हार हमारा है? और नहीं तो क्या, आप ही ने तो सिलेक्ट करके बनवाया है। खाम खा आने की तकलीफ की, मैं खुद भिजवाने वाला था। आने की तकलीफ तो की, लेकिन पैसे बाद में दे देना, पैसे कहाँ भागे जा रहे, लो। अरे यार कमाल नगरी है, यहाँ तो बिना हाथ पांव चला ही माल मिल जाता है। क्या बात है, मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी तुम हार लेने आओगे। हार? चलो। कहाँ? घर और कहाँ। अरे और ये कपड़े क्या पहन रखे हैं? किसी का पीछा कर रही थी क्या? पीछा? अरे बड़े को लड़के को पकड़े हुए हो? चलो चलो ना। ए ए छोटे, ए छोटे, अरे अरे कहाँ ढके रहे आप? तो बड़ी बदतमीज है आप तो एकदम। देखिए अरे 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 तो गाड़ी में बिठा लिया। ए ए बड़े, अरे कोई ऑटो दिला दो भैया। चलो कहाँ? अंदर। क्यों? घर के अंदर चलो ना। नहीं हम नहीं जाएंगे। कैसी बातें कर रहे हो? चलो। अरे ये क्या कर रही है? अरे चलो ना। अरे क्या कर रही है आप? चलो। जबरदस्ती कर रही है आप हमारे साथ? हाँ जबरदस्ती है। ओहो आज तो तुम वक्त से पहले ही आ गए, लेकिन ये कपड़े क्या पहन रखे हैं? देखिए ये धोती है, ये कुर्ता है, या गमछा है, दोबारा मत पूछेगा। ठीक है ठीक है। हाँ अब तू तो आ गया, लेकिन वो दूसरा कहाँ है? दूसरा ये तो छोटे को भी जानती है। ए बड़े, ए बड़े, ए बड़े, कहाँ? ए नीचे तो नहीं है बड़े? ए कौन है? क्या यहाँ क्या देख रहे हो? क्या देख रहे हो? क्यों? चलो अंदर। अंदर? अरे अब तो भैया ने भी हाँ कर दी, चलो अंदर। हमसे पूछे बगैर चलो। अरे अरे आज तो कमाल हो गया, दोनों टाइम से पहले आ गए। लेकिन आप लोग ने ये कपड़े क्यों पहने हुए? अरे कपड़े कपड़े कपड़े, जैसे देखो कपड़े के पीछे पड़ा हुआ है, नंगे तो नहीं खड़े हम लोग? पहने हैं यही कम है। हाँ। अरे बस बस फड़कते क्यों हो? लगता है किसी मुजरिम ने आपका मूड खराब कर दिया है। मेरा हार कहाँ है? ये लो। मैं अभी पहन के आई। कहाँ भैया गया? अरे आप आ गए, वो भी इतनी जल्दी। जल्दी मतलब टाइम पर तो आए हैं। हाँ, नहीं पैसे कहाँ भागे जा रहे हैं साहब। खैर आ गए तो दे दीजिए। क्या पैसे? क्यों पुलिस वालों पर विश्वास नहीं आपको? आप क्या समझते बिना पैसे दिए हम यहाँ से चले जाएंगे? अरे साहब मैंने ऐसा तो नहीं कहा। तो फिर हार लाइए। कमाल का मजाक कर रहे हैं आप, अभी आधे घंटे पहले तो आप हार ले गए। क्या बकवास कर रहे हैं? मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ साहब, भगवान कसम सबके सामने मैंने आपको हार दिया था। अरे आप लोग बोलते क्यों नहीं, चुप क्यों? तो अपने गवाह आपने पहले से तैयार कर रखे हैं। एक पुलिस वाले को धोखा देना, उसके साथ झूठ बोलने की सजा जानते हैं आप? झूठ तो आप बोल रहे हैं, अपनी वर्दी का रोब दिखाकर मेरे पैसे नहीं देना चाहते? मैं भी अपने पैसे लेकर ही रहूंगा, लाख रुपए का सेट है। कैसा लग रहा है भैया? भैया बोल रही है, दिखा भी रही है, बताओ। अच्छा है तो अच्छा ही लगेगा, हो क्या? ये आप कैसे बोल रहे हैं? मुंह से बोल रहे हैं। अरे क्या मजाक है, अब तक तो सिर्फ गांव के कपड़े पहने हुए थे, अब गांव की बोली भी शुरू कर दी। अरे बोली पसंद नहीं है, कपड़ा पसंद नहीं है, हमें आपकी ये जगह पसंद नहीं है, हम जा रहे हैं। अरे जा रहे हैं। अरे रे रे, केक तो खा के जाइए। केक? अरे यहाँ छुरी तो है नहीं। हाँ मैं भी लाई। अरे ठहरी ठहरी, क्या चाहिए? छुरी चाहिए, हम दे देते हैं, ये लीजिए। अरे बेटी ये छुरा कब से रखने लगे? रखना पड़ता है, काम जो खतरनाक करते हैं। मगर इतना बड़ा तो काम भी तो बड़ा करते हैं, कीला रखेंगे क्या? ले लीजिए। चलो केक काटो।
और इसको काटना है। बताइए हम लोग तो इससे क्या क्या क्यों बोले। हाँ काट चुके हैं। ए सीमा जाओ जाकर माँ को बुलाओ, माँ के साथ खाना खाएंगे। हाँ अभी बुलाती हूँ। एक गिलास में पानी नहीं, पानी नहीं, पानी पानी नहीं, पानी। हाँ अभी लाए। गए निकाल। अरे आइए आइए आइए, मैं अपने हाथों से खाना खिलाऊंगा। अरे बेटे तेरे मूड का भी कुछ पता नहीं, कभी गुस्सा कभी प्यार। अरे भाई माँ प्यार करने वाली चीज होती है, माँ खा ले तू। हम चावल खिलाऊंगा, हम चावल खिलाऊंगा, हमारे खाना होगा। थोड़ा सा पहले खाइए, एकदम खा लीजिए खाना, आप भी खा लीजिए खाना, ले लीजिए ले लीजिए, थोड़ा मीट ले लीजिए। तो बहुत खाना खा लिया, मुझे तो नींद आ रही है। हाँ मुबारक हो, असर हो रहा है। किस बात का? खाना, खाने का असर हो गया। इतना बढ़िया खाना बना तो असर। हाँ, खाना तो बहुत बढ़िया था। हाँ, अब मुझे तो नींद आ रही है। अरे छोड़ाते हैं। अरे हम आपको खेल मजा आए। हाँ यार,
का हुआ? हम लोग कुर्ते में उधर वर्दी है ता? पुलिस की वर्दी। इन लड़कियों का बस यही तो रोना है, थोड़ी सी देर हो गई दरवाजा नहीं खोल रही, इसीलिए मैं शादी नहीं करना चाहता हूँ। समझ में आया? अरे टपल रो। हाँ। हम चोर ये पुलिस पुलिस अरे पकड़े गए तो बहुत पीटेंगे बड़े। अरे मेरे पास चाबी है ना मास्टर की, खाम खाम लोग खड़े हुए हैं। सीमा सो रही है, कोई चिंता नहीं हमारी, इनको खाने पे बुलाया था। चलो भैया खुद ही निपट लेते हैं। सलाफत भाई, सलाफत हो? अरे सलाफत भाई। सलाम साहब। हाँ सलाम। सलाफत भाई कहाँ है? पुलिस की रेड हुई थी, पुलिस पकड़ कर ले गई उन्हें। लानत है हमारी दोस्ती पर, हम बाहर वो अंदर। कौन से पुलिस स्टेशन का है? अबे आगे बढ़ना, समझ में नहीं आ रहा मैं तुझे ला रहा हूँ कि तू मुझे ला रहा? मैं तुझे ला रहा हूँ, चल जल्दी कर। अबे मोटा कहीं का साहब, ये शराफत अली है, चोरी का माल खरीदते हुए पकड़ा गया है। अबे अबे कॉन्स्टेबल भैया, कसम उड़ान झल्ले की बड़ी सही जगह लेके आया तू तो। हट हट हट, क्या कर रहा भैया? अबे वर्दी पहनी नहीं कि दोस्त को भूल गया? इन कपड़ों में एकदम जच रिया तू तो। अबे दोस्ती के मुंह पे चांटा? अच्छा समझ गया, सबके सामने दिखावा कर रहा है, पर तू चांटा धीरे मार, मैं जोर से चीखूंगा। अबे तू तो सचमुच मार रहा है। सीधे सीधे बता दे किस किस से माल खरीदता है, किस किस को बेचता है। अबे सीधे सीधे बता दिया ना तो सीधे सीधे तू भी प्रॉब्लम में आ जाएगा। मैं प्रॉब्लम में आ जाऊंगा? अबे ये तो मारे ही जा रहा है, लगता है बताना ही पड़ेगा कि मैं किससे चोरी का माल खरीदता हूँ और किसको बेचता हूँ। कॉन्स्टेबल भाइयों, मैं चोरी का माल है ना इससे खरीदता हूँ। ये मुझसे और क्या, तू ही तो बेचता है मुझे चोरी का माल। ले जाए इसे, बंद कर दे अंदर, दो दिन खाने का मत देना, साले के होश ठिकाने आ जाएंगे। क्या बात है, बहुत परेशान लग रहे हो। साला दो टके का आदमी कहता मैं चोरी का माल बेचता, कभी शुरू किया? हेलो, हाँ हेलो, कौन बोल रहा भाई? हेलो इंस्पेक्टर, अपने प्रमोशन के लिए तैयार हो जाओ। क्यों, ऐसा क्या है? अरे मुलुंड नाके के ऊपर स्मगलिंग की बहुत भारी डील होने वाली है भाई। कहाँ से बोल रहे हो तुम? मुंह से। अरे बकवास मत करो, कौन बोल रहे हो तुम? अरे तुम्हारे मददगार बोल रहे हैं यार, इतना भी नहीं समझते, बग तेरे तो चल पाचा फट। क्या हुआ? मुलुंड नाका, नाका दो नंबर स्मगलिंग। कौन था ये? मददगार, प्रमोशन। अरे साहब आप लोग इतनी जल्दी वापस आ गए? क्यों, मैं तेरे से पूछ के आएंगे? पूछ के आएंगे? नहीं मेरा मतलब ये नहीं। क्या मतलब है तेरा? आपको क्या हो गया साहब? क्यों, हम बीमार दिखते हैं? दिखता है? पागल दिखते हैं? दिखता है? औकात में रहिए वरना वर्दी उतार के रेगिस्तान में नंगा तोड़ा देंगे। नंगा समझ रहे हो? ए बदमाश, शराफत कहाँ है? लॉकअप में। लॉकअप में? आप ही नहीं तो कहा था उसे लॉकअप में डालने के लिए। अबे मैंने कहा था लॉकअप में डालने के लिए। समझा करी, समझा करी, उसने बोला होगा। किसने? उसी ने। इन्होंने कहा था ना? इन्होंने कहा था ना? तो अब हम बोल रहे हैं खोल डालो बेचारे को। खोले खोले खोले। लेकिन आप ही नहीं तो कहा था उसे डालने के लिए। ए सराफा, तू वहीं पर है? वहीं पर है तू? छोटे इनने तो मान लिया, तू भी मान ले। कैसी बात कर रहे हो सराफत भाई, ऐसी फालतू बात करते समय बहुत बड़े चमन लग रहा है यार। चमन की बात नहीं है, इनने मेरे प्यारे से काले कान में चाटे मार मार के उसे बैग नहीं बना दिया है। ना निकले मुंह से ना, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं बहुत कड़क पुलिस अफसर हूँ, पिछला रिकॉर्ड मालूम है? मालूम है ना। अच्छा अच्छा को ठीक कर दिया था मैंने। ये डाकू मोहर सिंह, किसने पकड़ा इसको? हम तो उस दिन छुट्टी पर थे। तू बोल बे। मैं वसूली पर गया हुआ था। ए तू बोल। माँ कसम मैंने नहीं पकड़ा। ए ना। बोल नहीं सकता हूँ, गूंगा हूँ। तुम गूंगे? तुम गूंगे तो हमारे भी हाथ कटे। ऐसे मुकर रहे हैं जैसे हम इन पर कोई इल्जाम लगा रहे हैं। सब के सब मुकरी हैं। चंडू फार्मेसी के लवण भास्कर चूरण है साले। अरे भैया डाकू मोहर सिंह को हमने पकड़ा। जब मैं मोहर सिंह को पकड़ने निकला तो हम दोनों में जबरदस्त चेस। वो आगे आगे पैदल, मैं पीछे पीछे चीख। वो आगे आगे, मैं पीछे पीछे। अब पक्की खत्म, कच्ची स्टार्ट। मोहर सिंह के पांव छिल गए, हमारे आंख में आंसू। दिल देख रहा है? मैंने कहा मोहर भैया तू आके जीप में बैठ जा, जब पक्की आएगी उतर कर भागना फिर पकड़ूंगा। ये पक्की आते मैंने कहा उधर थारी खटारे का चाल तेरे बेकारे का। अब पक्की खत्म, जंगल स्टार्ट। वो भी पैदल, मैं भी पैदल, सामने दलदली। मोहर सिंह एक्सपर्ट कूद करके उस पार, मैंने जंप लगाई गुड़ करके दलदल के अंदर। अब धीरे धीरे मैं दलदल में फंस रहा हूँ, अकेला मैं, ना जानवर ना इंसान ना परिंदा,
धीरे धीरे दलदल में अंदर धसता चला जा रहा। देख क्या रहे हो, डरने की बात है सालो, डरो। समझ में नहीं आ रहा था अपनी जान कैसे बचाऊं। अचानक एक आइडिया आया, पड़ोस वाले गांव में गया, रस्सी लेकर आया, खुद को निकाला यहाँ। बड़े बहुत लंबा लंबा छोड़ रहे हो, शराफत को तो निकाल ही चुके, इससे पहले वो दोनों आ जाए हम लोग दोनों निकल लें। हाँ ठीक है, लेकिन निकले अबे मेरे को तो ले चलो। सुनो कोई आए तो कहना शराफत अली अपने घर पे मिलेंगे, ठीक है? अगर तुम दोनों जैसे 5-7 पुलिस वाले और हो जाएं तो हिंदुस्तान की सब जेलें खाली और सब कैदी आजाद। हाँ। सर आप हमारी बात मानिए, हमने शराफत अली को जेल में कैद करके रखा था। तो क्या ही हवलदार झूठ बोल रहे हैं? बिल्कुल जी नहीं, हम तो बिल्कुल सच कह रहे हैं सर। हम तो अर्जुन सिंह जी की हाँ में हाँ मिलाते थे, ना निकलने पर थप्पड़ मारते थे और प्यारे जी हमेशा इन्हीं का साथ देते थे। सर ये झूठ बोल रहे हैं, लेकिन पता नहीं क्यों झूठ बोल रहे हैं। अर्जुन जी बड़ी लंबी लंबी गप्पे हाँकते हैं। मैं हाँकता था? तुम चुप करो, हाँ तुम हाँको। डंडे के जोर पर हमसे हाँ कहलवाते थे और कहते थे कि डाकू मोहर सिंह को इन्होंने पकड़ा है और कहते थे कि ना ना निकले। मोहर सिंह को गिरफ्तार करोगे? एक मामूली सा मुजरिम तो तुमसे गिरफ्तार नहीं होता, मोहर सिंह को क्या खाक गिरफ्तार करोगे? खैर मैंने डिसाइड किया कि मैं तुम दोनों को एक आखिरी चांस दूंगा। तुम्हें पता है कि आधा कोहिनूर हीरा इंग्लैंड में है और आधा हिंदुस्तान वापस आ गया, और जो हिंदुस्तान में आ गया वो एक म्यूजियम में रखा गया ताकि लोग उसे देख सके। गुड, और मैंने डिसाइड किया कि उसी म्यूजियम में तुम दोनों की ड्यूटी लगा दूंगा, लेकिन अगर वहां कोई गड़बड़ हो गई तो तुम मुझे वापस आकर ये मत कहना कि हम वहां नहीं थे सर। आप फिक्र मत कीजिए सर, हम हीरे की हिफाजत अपनी जान से भी ज्यादा करेंगे। क्या कर रहे हो? ये है कोहिनूर हीरे का आधा भाग, अगर तुमने इसे चोरी करके हमें दिया तो मुंह मांगी रकम मिलेगी। मैंने पढ़ा है अखबार में कुछ दिनों बाद ही पब्लिक को दिखाया जाएगा। हाँ तो बस जिस दिन पब्लिक को दिखाया जाएगा उस दिन आपके पास पहुंच जाएगा। ले गुलाम तेरी चाय, ले रसूल तेरी चाय। क्या करता है बे? अरे हर रोज मेरी चाय भूल जाता है, मेरी चाय कहाँ? तो लाता है ना, रोज रोज चिमटी का को काटता है। अरे तो जल्दी लाना। भाई लाता है ना, पैसा देता नहीं ऊपर से होशियारी करता है। हाँ क्या मांगता भाई? क्या है खाने में? चिकन मसाला, चिकन फ्राई, चिकन करी, चिकन बिरयानी, मटन मसाला, मटन फ्राई, मटन करी, मटन मलाई, मटन हलवाई, मटन पनीर, मटन कोफ्ता, दाल फ्राई, दाल मखनी, रोटी है, चावल है, बोलो क्या ले जाऊं? दो दो प्लेट सबके लिए आइए। दो दो प्लेट? और लोग भी आने वाले हैं क्या? हम लोग हैं ना, काफी हैं। दो आदमी में इतना खाना? जिंदगी में पहली मरतबा खाना करे क्या? कादर भाई यार हो क्या रहा है? मुझे लग रहा है जैसे जैसे कमिश्नर के बाल झड़ रहे हैं वैसे उसकी अकल भी झड़ रही है। मेरा ऑर्डर लाना। अरे किधर से लाऊं, वो सब खा गए यार, खाली ये दो बचा है। मेरा ऑर्डर किधर है? खाली चिल्लाता है बेटा। क्या? अरे भाई अभी किचन में कुछ बचा नहीं है, एक मैं बचा हूँ, मेरे को नमक मिर्च डाल के खा लो तुम लोग। अरे भाई साहब चाय तो होगी। कितना डजन लेकर आऊं? यार ये हो क्या रहा है? अरे भाई दो आदमी तो दो ही कप चाय पियेंगे। देखता हूँ होएंगी तो लाऊंगा, नहीं तो चानस नहीं है। एक आदर भाई। यार ये हो रहा क्या है? चैलेंज दे दिया है, है? कमिश्नर साहब ने हीरे की सिक्योरिटी देकर हमें चैलेंज दे दिया है। हीरा, ये लो चाय। ए, चाय का ऑर्डर किसने दिया बे? तुम बोला था ना चाय लेके आओ। हम लोग चाय नहीं पीते हैं, हम लोग दूध पीते हैं। क्या दूध की बनेगी? खीर खाते हैं, जा जाके खीर लेके आ। काय को हैरान करते हो, चाय लो ना। ए कादर भाई, कोहिनूर हीरा जो है वो आज म्यूजियम में रखा जाएगा, कल पब्लिक के लिए खुलेगा। हाँ भाई यार इस बार गड़बड़ नहीं हो रही थी, समझ में नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। कमिश्नर है ये ये क्या है भाई साहब? मेरे मालूम था तुम ऐसी बोलने वाले हो, तुम्हें भी बोला था ना खीर लेकर आओ। अरे तुझसे खीर मंगवाई थी कि चाय? यार मैं पागल हो जाऊंगा। ए इधर ये लो चाय, ये खीर, आउट। चल बखसक, चलो 1080 रुपए निकालो। क्या 1080? 540 रुपए की एक चाय। एक कादर भाई। अबे क्या कादर भाई, कादर भाई, कादर भाई लगा रखा है। ले आ गया कादर भाई। क्या है भाई, ये लोग खाना खा के पैसा नहीं दे रहे। कौन ये? यार ये हो क्या रहा है? क्या रहे? ये खाकी वर्दी पहन के बच्चे को हुलने रह लाए क्या? फोन लगाऊं शामू का भी? शामू कौन? तुम्हारा कमिश्नर श्यामलाल, अपने बचपने का दोस्त है, लगाऊं? अरे नहीं देखिए कमिश्नर साहब को फोन मत कीजिएगा, हम पैसे दे देते हैं आपको। यार ये हो क्या रहा है यार?
पूरा पैसा निकाल, साथ में उसका टिप भी निकाल। हाँ? हाँ, देखा सीधी उंगली से घी नहीं निकलता है, मानता है कि नहीं? सिक्योरिटी इंचार्ज कौन है? तो क्या हुआ, मैं इस म्यूजियम का इंचार्ज हूँ, हीरे की सिक्योरिटी करना मेरा फर्ज है, ठोक बजा कर ही अंदर जाने दूंगा। तू हमें ठोकेगा बजाएगा? इंस्पेक्टर अर्जुन सिंह, इंस्पेक्टर प्यारे मोहन। तो क्या हुआ, पुलिस की वर्दी पहनकर आजकल चोर लोग घूमते हैं, आइए आइए। पागल है साला। अर्जुन सिंह, प्यारे मोहन। देखा हमारा अरेंजमेंट? हाँ, अंदर का अरेंजमेंट तो देख लिया, बाहर की सिक्योरिटी हम देखेंगे। ओके, चल प्यारे। अरे तुम लोग फिर, अब क्या चाहिए? हीरे की सुरक्षा जांच करने आए हैं। अरे अभी तो देख कर गए थे, दोबारा फिर तो क्या हो गया? दो बार खाना नहीं खाते, टीवी नहीं देखते, बीवी नहीं देखते? दो बार देखेंगे, दस बार देखेंगे, हजार बार देखेंगे, तुम्हारा काम है दिखाना, दिखाओ। दिखा, आओ आओ, हट, खोलो खोलो खोलो, कमे यहाँ पर चारों तरफ हमारे कैमरे लगे हुए। धन्यवाद। जो भी हीरे की तरफ आगे बढ़ेगा उसका फोटो खींच जाएगा। धन्यवाद। लेकिन इसमें कौन सी बड़ी बात है, कोई भी चकमा देकर अंदर आ सकता है। तो क्या हुआ, जैसे ही कोई शोकेस लगाएगा चारों तरफ घंटियां बजने लगेंगी, अलार्म बज उठेंगे। धन्यवाद। क्या है? देखा घंटी का कमाल। गार्ड्स अटेंशन, चिंता की कोई बात नहीं, यहाँ पर डेमोंस्ट्रेशन चल रहा है, सिक्योरिटी की जांच पड़ताल, घबराने की कोई बात नहीं। अटेंशन, पीछे मुड़, सर वापस जा 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 जा। जैसे ही चोर इस हीरे को उठाएगा फिर से घंटियां बजने लगेंगी और एक तेज रोशनी यहाँ से निकलकर उस पिंजरे से टकराएगी जो सीधा चोर की खोपड़ी पे आके गिर पड़ेगा। ओहो, ये पिंजरा ऊपर से गिरेगा तो चोर ससुरा चपड़ के ऑमलेट हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। क्या है, हीरे दागी है? तो क्या हुआ, अबे हीरे में दरार है। हीरे में दरार, क्या बात करते हो, क्यों हार्ट अटैक देना चाहते हो? दिखाई नहीं दे रहा हीरे में दरार है। क्या क्या बोलता, क्या है? बोल रहे हैं। दिखाई नहीं दे रहा भाई, हीरे में दरार है। अबे तू तो क्या क्या देखता है, हीरे में दरार आ गया। ऐसा नहीं, मुंडे और हीरा एक लेवल पे आना चाहिए। थोड़ा और आगे, और आगे, ऐसा नहीं, सीधा ये लीजिए। अब आ गया, निकाल। अब ये हम हीरा हल्के से हटा देते हैं। रिलैक्स, अंदर डेमोंस्ट्रेशन चल रहा है। भाई साहब, मुंडी मत हटाइएगा। क्यों? मुंडी हटाइएगा तो नीचे से पिचकारी निकलेगा। पिचकारी निकलेगा तो ऊपर पिंजरे को छुएगा। पिंजरे को छुएगा तो पिंजरा नीचे आएगा। पिंजरा नीचे आएगा तो आपका फ्राई ऑमलेट हो जाएगा। ये तो मैंने ही बताया। अरे मुझे कहां फंसा दिया, अरे मेरी बात का पागल है। कितने शर्म की बात है, पूरे पुलिस डिपार्टमेंट की नाक कटवा दी तुम दोनों ने। तुम्हें हीरे की हिफाजत के लिए भेजा था और तुम्ही लोगों ने उसे चोरी कर लिया। सर ये सरासर झूठ है। सर हम लोग बाहर सिपाहियों के साथ ड्यूटी कर रहे थे, हम लोग अंदर जाकर चोरी कैसे करेंगे? शायद तुम लोगों को पता नहीं कि अंदर कैमरे लगे हुए थे और हीरा चोरी करते वक्त तुम दोनों की बेवकूफाना तस्वीरें आई हैं उन कैमरों में। सर ये कैसे हो सकता है, आप हमारी बात पर यकीन क्यों नहीं कर रहे? सर हम लोगों ने चोरी नहीं की है। नहीं, तुम लोगों ने नहीं की है, तुम लोगों के भूत आए थे चोरी करने। मैं आज तक तुम लोगों की छोटी मोटी गलतियों को माफ करता रहा, उन पर पर्दा डालता रहा, लेकिन आज तुम दोनों ने माफी वाली गलती नहीं की है, सजा देने वाली गलती की है। मैं तुम दोनों को सस्पेंड करता हूं और जब तक वो हीरा नहीं मिल जाता तुम दोनों जेल के अंदर रहोगे। अरेस्ट देम। ये फोन करके इतना जल्दी क्यों बुलाया, बिना नहाए तो आ गए हम लोग। हमको पता है म्यूजियम खुल गया, हीरा चोरी हो जाएगा। चोरी हो जाएगा नहीं, बल्कि चोरी हो गया है। क्या?
हाँ, इसीलिए कहता हूँ पेपर पढ़ा करो। मुझे तो नहीं, पढ़ तो भाई, ये तो मुलायम की तस्वीर है। प्यारे मोहन और अर्जुन सिंह। अच्छा हुआ ना उन्होंने हमारा काम कर दिया। देखो भाई, हम लोग पुलिस से डरते जरूर हैं, लेकिन इतने भी नहीं कि हीरा वापस से निकाल सके। कौन हो तुम? अरे बेटी, मैं खुद नहीं जानता हूँ कि मैं कौन हूँ। तेरे भाई ने बहुत परेशान करके रखा है मुझे। डर के मारे न घर में बैठ सकता हूँ, न गलियों में घूम सकता हूँ, इसलिए तेरी गाड़ी में आसरा ले लिया मैं। लेकिन मुझे यकीन है तू मुझे अपने भाई से बचाएगी। मुझे बचाएगी ना बेटी? गेट आउट, निकलो गाड़ी में से। हाँ, अच्छे बच्चे जिद नहीं करते। मैं ना उतरूंगा, मैं ना उतरूंगा। ये क्या बदतमीजी है? अरे मेरे भाई को पता चल गया ना, तुम दोनों की खैर नहीं। हम तो चाहते हैं बेटी तेरे भाई को पता चले। अबे अबे बड़े छोटे, अबे बरवाओगे क्या? अबे इधर आओ। ये हीरा नहीं, बम है, बम। हमारा तो बिकवाया यार, इसकी जात का मालूम कुछ पैसा वैसा मिले यार। अबे इसको बिकवाने के चक्कर में चोर बाजार बिक जाएगा, ये हीरा नहीं बिकेगा। क्यों, क्या कीमत होगी? करोड़ों में बैठेगी। ए बड़े, हमको ये हीरा बहुत पसंद आ गया है। इसको आधा आधा काट के बीच वाली उंगली में पहनते हैं। सत्या क्या कहा? सराफत भाई, इसे बेचने का कुछ आइडिया बताइए ना। देखो भैया, एक आदमी को मैं भी जानता हूँ, दुनिया की नजरों में वो मूर्ति बनाने वाला आर्टिस्ट है, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे चोरी का माल खरीदता है। नाम है उसका जोरावर, वो ही इस हीरे की कीमत दे सकता है। जोरावर, हाँ तुमको तुम्हारा हीरा मिल गया, हमको हमारा माल दे दो। वो अभी नकद और जल्दी हमको निकलना है यहाँ से। अब हीरा तो मिल गया, हीरोइन कहाँ है? कौन हीरोइन? हीरोइन, हीरोइन नेहा। अरे क्या बकवास कर रहे हो, हम किसी नेहा बेहा को नहीं जानते। मतलब नेहा तुम्हारे पास नहीं है? बोल दिया नहीं जानते, नहीं जानते था। शरद, हाँ जरा बेबी को ला तो। चल भैया। भैया बड़े, पहचाना? जाना पहचाना सा चेहरा लग रहा है यार। ये वही है इंस्पेक्टर की बहन। भैया मुझे बचाओ। देखिए भाई साहब, ये लड़की ना मेरी बहन है ना मैं इसका भाई हूँ। भैया यानी ये लड़की तुम्हारी बहन नहीं है? अरे कितनी बार बोलेगी मेरी बहन नहीं है। ए, इधर आओ। ये आदमी क्या आपका बॉस है? यस। ये क्या पागल है, अंधा है, बहरा है? न सुन रहा है, न समझ रहा है, न देख रहा है। देखा बेबी, तेरे भाइयों को ही तेरी इज्जत की परवाह नहीं है। मुझे दोष मत देना, लूटो बाकी कुछ बचे तो फ्रिज में रख देना। भैया, भैया, भैया छोड़ दो मुझे, भैया जान दो मुझे, बचा लो मुझे। हमारी बहन है, हमारी बहन है। देखिए भाई साहब, हम नेहा को लेकर यहाँ आते हैं, लेकिन हमारी बहन को कुछ नहीं होना चाहिए। कुछ नहीं होना चाहिए। चल चुके। आइए, आखिर असली मुजरिम मिल गया आपको? हमें मालूम था सर, एक दिन आप अपने किए पे बहुत पछताएंगे। क्या बात है सर, आप बड़े परेशान लग रहे हैं। ना तो मुझे असली मुजरिम मिला है और ना ही मैं पछता रहा हूं। मैं तो तुम्हें यह बताने आया हूं कि तुम्हारी बहन सीमा को क्या हुआ? सीमा को क्या हो गया? सीमा को सर, सीमा को किसी ने किडनैप कर लिया है। क्या? हाँ सर, प्लीज सर, एक दिन के लिए मुझे यहां से छोड़ दीजिए। सर हम लोग सीमा को ढूंढ के अपने आप को दोबारा आपके हवाले कर देंगे सर। सीमा की फिक्र मुझे भी है, मेरी बेटी की तरह है। मैंने सारी चौकियों में खबर कर दी है, नाकाबंदी पूरे शहर में हो गई है, सीमा को कुछ नहीं होगा। लेकिन सर किडनैप करने वाले कौन है, पता नहीं वो क्या चाहते हैं। भगवान न करे मेरी बहन को अगर कुछ हो गया। अरे सीमा को कुछ नहीं होगा, नहीं होगा। क्या बात चपल खंचू, वहाँ खड़े खड़े सूखी हिचकियाँ क्या ले रहा है? आए? अबे ठीक से दिखाने दे रहा तो दूसरे भी खोल ले खाने। खोल ले खाने? क्यों भाई, तुम लोग इतना हैरानी से कहाँ देख रहे हो? राम और साम नहीं देखे थे दिलीप कुमार की? अरे हमने भी नहीं देखी थी, उस दिन पहली दफे तुम्हारे लोगों के यहाँ देखी, याद है? करेला, करेला। क्यों भाई टकले? क्यों पहचाना कि नहीं हम दोनों का?
याद है उस दिन कोठे में कैसे हम लोग घुमा के दिए थे तुमको? हमारे साथ ठुमका मार के नाच रहे थे, हम रुपया उड़ा रहे हैं, हमारा गिरेबान पकड़ा उठा के हम फेल दिए रहे, याद है? ओ, वो तुम थे? हाँ हाँ, तुम लोग की जिंदगी में आज तक जो कुछ भी बुरा हुआ है ना, उसके पीछे तो थे। और वो हीरा भी हमी ने चुराया था। तो हीरा कहाँ है? अरे हीरा देकर तो छूटा है यार, उन लोगों ने कहा है कि नेहा जी को वहाँ पर पहुँचा तो सीमा जी को यहाँ पर पहुँचाएंगे। अर्जुन प्यारे, तुम दोनों के कोई जुड़वा भाई तो नहीं थे? नहीं नहीं सर। बचपन में बिछड़ गए हो? नहीं सर। मेले में खो गए हो? बिल्कुल नहीं सर। तो फिर ये कहाँ से आए? अबे खुदा के करम से, ईश्वर की कृपा से और पब्लिक की डिमांड से, आप लोगों के नसीब से आपकी बहन को छुड़ाने आए हैं। यूं समझ लीजिए ये जोरावर का अड्डा है, यहाँ पर सारी मूर्तियां उर्तियां रखी हुई हैं, और हम लोग गाना गाते हुए यहाँ से नहीं, यहाँ सीढ़ियां हैं, यहाँ से नीचे आएंगे, गाना वाना गा के हम उसका मन बहला रखेंगे। ये छोटे, तुम उनको खैनी उनी खिला देना ताकि उनकी खुपड़िया जो है वो पिरा। खिला दिए, खिला दिए। मगर हम लोगों का आना कब होगा भाई? देखो देखो देखो, जैसे हम लोग गाना खत्म करेंगे हम लोग दोनों बोलेंगे दिन तक दिन तक दिन तक। खिड़की है इसे, अबे कहाँ देख रहा है? यहाँ देख, ये जो कांच की खिड़की, इसे फोड़ के अंदर आ जाना। देखो मैं भी तुम दोनों के साथ चलूंगा, अगर तुम दोनों भाग गए तो। ए बड़े, हम लोग मदद कर रहे हैं, टकले अंकल शक कर रहे हैं। जाओ, हम तुम्हारी मदद नहीं करेंगे, खुद ही पकड़ लेना जाके। एक मिनट, बुरा मान गए, बैठ बैठ। प्रॉब्लम क्या है ना, अगर तुम लोग नाचोगे गाओगे तो मेरा भी दिल करेगा, मैं भी नाचूंगा हूं, मुझे ले चलो प्लीज प्लीज। क्या क्या कर रहा है यार? ठीक है, आए थे आए प्लीज। ए भैया, याद है ना कब आने का है? हाँ मालूम है भाई। Stop!
दुश्मन का बैंड बजाए। बिल्कुल सही कहा चचुआ, हर महफिल में रंग जमाए, दुश्मन का बैंड बजाए। सबके सर पे चढ़ के बोले, बंद अकल की खिड़की खोले, बंद अकल की खिड़की खोले। ये ना समझो को समझाए, अरे ये ना समझो को समझाए, फट के जन को राह पिलाए। ये तो आने वाले थे। आए नहीं यार, साला टाइम भी हो गया, अभी तक आए नहीं। अब बोला था इन पे भरोसा मत करना। हाँ यार, अबे गाना शुरू करा रहा है। गला साफ कर ले बे। तो फिर बीड़े का देख कमाल, तो फिर बीड़े का देख देख हाँ देख कमाल, दिन तक दिन तक दिन तक। अबे आ बे। अरे फंस गए यार। बहुत अच्छा नाचते हो यार, लेकिन हमको क्या बेवकूफ समझते हो? ये समझते हो इतनी सी खैनी करके हम टून हो जाएंगे? अबे इतनी सी खैनी तो हम हर रोज सुबह नाश्ते में खाते हैं। एवरीबॉडी एवरीबॉडी सिट डाउन, सब बैठ जाओ, अब कोई नहीं नाचेगा, अब सिर्फ ये दोनों खैनी बेबी नाचेंगे। कम ऑन बेबी, कम ऑन बेबी, डांस बेबी। बोलेंगे अभी बोलेंगे, हाँ बोल 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 भैया। बस ए, क्या है? तुम क्या अपने आप को मुगले आजम हम लोग का अनारकली समझता है बे? कितना नचा रहा है? आप चाहेंगे तो हम रोज आकर आपके पास नाच जाएंगे, एक घंटा सुबह एक घंटा शाम, लेकिन अभी तो जाने दो यार। जाके नाचो वरना गोली मार दूंगा। बहुत गलत बात है यार, पुराने जमाने में लोग नाचते थे उनको सोना चांदी मिलता था। आप हमको बंदूक दिखा रहे हैं तो अच्छी बात है। बहुत तो क्या बड़े मियाँ छोटे मियाँ के साथ हम कह रहे हैं, एक मिनट के अंदर इज्जत से जाने दो वरना। वरना क्या कर लेगा तू? वरना हाँ नाचेंगे। चल जा, चल 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 चल। कोई नहीं रहेगा।
कीना पुलिस वाली हरकत। अबे कभी तो टाइम पर पहुंचा करो यार तुम लोग, नचा नचा के हमारी हालत खराब कर दी थी, थोड़ी और देर करते तो हमारी लाश मिलती यहाँ पर तुमको। अरे मरे तो नहीं, आखिर आ गए ना। आखिर में कहा गया यार, पहले कहा ही नहीं आए, जब देखो आखिर में आते हो और ऐसे बोलो जैसे आके एहसान कर दियो हम पे। ए छोटे जाए दे जाए दे जाए दे, कौन सा हमने इनके साथ सारा जीवन बिताना है। जाते हैं भैया, कहा सुना माफ करना। हाँ जय राम जी की, जय राम जी की। आजा छोटे आजा आजा आजा। आखिर ए आओ 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 चल के कुछ। आखिर बोल रहा है, आखिर बोल रहा है। ये आंखें फाड़ फाड़ के क्या देख रहा है, वो चोर है हम पुलिस। पहले कह रहा है कि वक्त पे आते नहीं वो लोग, तो हम क्या करें। आखिरी दिन हो जाता है, मर जाते एकदम हम लोग। ये क्या है, इतना हैरान होकर मत देखिए। आपका जब वो है ना, वही नहीं है वो है। हाँ उस दिन सुनार की दुकान पे आप हम ही को उठा कर ले गए थे, उसके बाद घर ले जाकर जो केक खिलाया, खाना खिलाया, बहुत सुनार बहुत मजा था। अब मैं आपका कैसे शुक्रिया देता हूँ, मेरे भाई ना होते हुए भी आपने मेरी जान बचाई। कैसी बातें कर रही हैं, दरअसल क्या है कि हमारा इस दुनिया में कहा ही नहीं। उस दिन जब प्यार से आपने हमें अपना भाई बनाया तो हमारे अंदर न जाने कितने सितार बजे, हमें लगा कि हमें आपकी मदद करी देनी चाहिए सो। और दरअसल हम लोग धोखे में अच्छा काम कर गए, एक्चुअली हम लोग अच्छे लोग हैं नहीं। चल बड़े चल छोटे। तो राव साहब आ गए, हमारी बहन सबसे अलग क्यों जा रही है, कहीं किसी स्पेशल जेल तो नहीं ले जा रहे। क्या हुआ भाई, क्यों गाड़ी क्यों रोक दी है? आगे दो लाशें पड़ी है। हम लाश नहीं हैं। ए भाई साहब थक गए इसलिए। सुनिए सुनिए सुनिए, तनिक अपना गाड़ी में हमको रेलवे स्टेशन तक लिफ्ट दे दीजिएगा। बड़े हाँ, ये पता नहीं आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि अंदर जो आदमी खड़ा है वो जुरावर टाइप लग रहा है। लग नहीं रहा है, अब फिर पुलिस को धोखा दे दिया है, बड़ा ठीठ आदमी है, हमारी कुंडली से निकलने का नाम ही नहीं ले रहा। भगा रे भगा रे भगा रे भगा रे भगा रे भैया, और भगा रे भगा। स्टीयरिंग कहाँ घुमा रहे हैं आप, बाहर निकलिए, गाड़ी हम चलाएंगे। जल्दी सड़क चलिए, जो हाथों से पीटना चाहते हैं छोटे के पास आइए, जो लातों से पीटना चाहते हैं उधर। अरे अरे हाथ तो पहुंचे, मार 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 सामने। ओ इंटरनेशनल, दरवाजा दूसरा दरवाजा, ये मुक्का और ये अगराई अगराई। क्यों भैया खेल लिए, अब थोड़ा हमसे भी खेल लीजिए स्लो मोशन में। कबड्डी 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 हमारी है, हमारी ना One, two, three. Ah, there you go.
हेलो, तेरे साथ भी कबड्डी खेल रहे थे? नहीं, मेरे साथ वन टू खेल रहे थे। अच्छा, मेरी कमर दुख रही है, उठा उठा उठा। कबड्डी 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 बड़े, कुछ याद है धुंधला सा? याद है, ये कमीने लोग बहुत नचाए थे हम लोगों को। अब हम लोग मुगले आजम बनेंगे, और ये बनेंगे अनार के लिए ना तेरे बेटे। और जिस मुजरिम को पकड़ने के लिए इतनी बड़ी फौज लेकर गए थे, वो असली मुजरिम गायब है यार। सर, हमने तो उसे वैन में बंद कर दिया था। अरे, वैन में बंद कर दिया था तो गायब कैसे हो गया? सर, हीरा मिल गया ना। हीरा मिल गया तो क्या असली मुजरिम को छोड़ दूं? समझ में नहीं आ रहा कि वो चुरावर गया कहां। अरे ओ भाई, तुम लोग कहाँ जा रहे हो? अरे कहीं भी चले जाएंगे, हिंदुस्तान बहुत बड़ा देश है, रोजी रोटी खाने के लिए किसी दूसरे शहर में जाकर के हाथ पांव मार लेंगे। और अगर मैं तुम दोनों की रोजी रोटी का बंदोबस्त कर दूं तो? बड़े, ये फिर से अंदर करने की तो नहीं सोच रहा? अरे देखो भाई, तुमको भगवान ने इतना अच्छा दिमाग दिया, जो तुम चोरी में इस्तेमाल करते हो, इसी दिमाग को देश की और कानून की सेवा में लगाओ। पुलिस की नौकरी करोगे। बोले और हम रुको रुको रुको, कहाँ चले जा रहे हो तुम लोग? क्यों भाई, पुलिस वाले होकर पुलिस वाले को हाथ दिखाता है? सॉरी सर, गलती हो गई। सारी का मतलब अबे? ए छोटे, दोनों की शक्ल को जानी पहचानी से लग रही है। लग तो रहा है, तुम लोग दोनों कौन हो बे? अबे जिस गाड़ी में तू घूम रहा है ना, तू, ये हमारी हुआ करती थी। और ये जो वर्दी तुम दोनों ने पहन रखी ना, तुमने ये कभी हमारे जिस्म पर हुआ करती थी? बड़े, हाँ, ये लोग हमको बहुत तू तू करके बोल रहे हैं भाई। क्या बे, अपने अफसरों से बात करने की तमीज है क्या तुम्हें? साले फिर से ऐसी बात किया ना तो नंगा करके रेगिस्तान में दौड़ा देंगे हम। नंगा? और एक बात याद रखना, बहुत कड़क अफसर है हम लोग। हाँ, कभी मुंह से ना ना निकले। क्या ना निकले? ना तो। कोई हमें प्यार करे, कोई जान निसार करे। देख के हमको तो कहते हैं लोग भला, बड़े मियाँ बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। बड़े मियाँ बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। कोई हमें प्यार करे, कोई जान निसार करे। देख के हमको तो कहते हैं लोग भला, बड़े मियाँ बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। बड़े मियाँ बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह।